कैलचल, आई होप अच्छे ही होंगे। तो फिलहाल भाई लास्ट एपिसोड में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करके रखी है पूरी आर्मी ने और सभी गैंग्स ने मिल करके। मैंने आपको बोले था भाई, वैसे तो मैंने लास्ट एपिसोड में उन बंदों को बहुत पीटा था, बट फिलहाल आज तो और भी ज्यादा पीटने वाला हूँ, क्योंकि मैंने अपनी बहुत ज्यादा बंदों की टीम को बुला लिया है। केजीएफ के बहुत सारे बंदे आ चुके हैं शहर में, डगन ने अपने बंदे बुलाए, बिग माफिया ने, टेक्नो ने, भाई हर एक बंदों ने थोड़े थोड़े बंदे बुलाए हैं, अपना गॉडफादर भी बुलाने वाला है। मतलब भाई अभी तो सारे के सारे काम चलने वाले हैं, मजा आने वाला है, बंदों को सीधा कर देंगे भाई पीट पीट के, क्योंकि बंदों ने कुछ ज्यादा ही मतलब परेशानी करके रखी हुई है। और आपको पता ही है भाई, जब कोई बंदा परेशानी करता है तो ट्रेवर उसको सीधा कर देता है। और मैंने भाई अभी अपनी एक अलग आर्मी थोड़ी सी और इकट्ठा करी है, जो मेरे साथ रहेंगे परमानेंट, मतलब उनको मैं अपने साथ में लेकर घूमा करूंगा। कुछ हेलीकॉप्टर से रहेंगे, कुछ टैंक से, मतलब जहां पे मेरे को डंडा बजाना पड़े वहां पे बजवाऊंगा। कुछ कुछ जगह पे मैं उनको साथ लेकर के जाया करूंगा, और कुछ कुछ जगह पे नहीं जाया करूंगा। मतलब कुछ जगह मेरे को ऐसा होता है भाई अकेले जाना पड़ता है और थोड़ा तेज जाना पड़ता है, तो इसलिए वहां पर अकेले ही जाऊंगा, क्योंकि बंदे बहुत टाइम लगाते हैं फॉलो करने में, टाइम खर्च होता है, उनके पीछे आराम से चलना पड़ता है, इसलिए उसमें ज्यादा टाइम लग जाता है। नहीं तो ज्यादातर मैं उनको वहां पे लेकर के जाऊंगा जहां पर मेरे को लगता है मेरे को डंडा बजाना ही है। वैसे वो मेरे बहुत अच्छे गार्ड्स हैं, मैंने थॉमस से उनको अरेंज कराया। आपको याद है थॉमस वैसे हमारा पुराना प्रेजेंट था, वो फिलहाल अब नहीं है, बट उसकी भाई पहचान काफी अच्छी है। आपको याद होगा उससे ही मैंने लास्ट में बोला था भाई मेरे को जेड प्लस से भी अच्छी सिक्योरिटी दिलवाओ, उसने मेरे को दिलवाई थी। कुछ बंदे आए थे मेरे पास में, मैंने फिर से भाई उसको यही बोला था 2 दिन पहले कि भाई मेरे को थोड़े गार्ड्स चाहिए यार, देख थॉमस मानता हूँ तू प्रेजेंट अभी नहीं है बट मेरे को दिक्कत होकर के रखी है। तो उस बंदे ने भाई आराम से मेरे को बोला ट्रेयर भाई टेंशन ही मत लो, फिलहाल इतने अच्छे अच्छे और इतने भाई खतरनाक स्किल वाले बंदे मेरे को दिलवाए हैं, मजा आने वाला है। वो बंदे हेलीकॉप्टर बहुत अच्छे चलाते हैं, मतलब भाई वो काफी ज्यादा चीजें जानते हैं। आप आज देख लोगे सारे एपिसोड में बंदों में कितना टैलेंट है, आज आपको अमेजिंग लगने वाला है और काफी अलग चीज भी देखने को मिलेगी। हमारा प्यारा गेम भाई शुरू हो चुका है, ट्रेवर आ चुका है, काफी परेशान है और गुस्सा भी बहुत ज्यादा है। पता है भाई वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपको एक तो पता है लेस्टर नहीं है, लेस्टर गायब है, आर्मी ने मेरे दोनों घर पर कब्जा करके रखा हुआ है। खैर एक घर पर तो भाई आपको बताइए मैंने खुद ही छोड़ दिया, क्योंकि हमारी प्यारी अली नजी ने परेशान किया था। मैं भी वहां पर जानबूझ के जा ही नहीं रहा, मैं यहाँ पर रह रहा था भाई, क्योंकि काफी सीक्रेट जगह है। जब मेरे को लगेगा भाई ये जगह कोई मतलब कि बेकार हो गई है तो मैं यहाँ पे आना कम कर दूंगा, बट फिलहाल आज की डेट में यहीं पर मैं रह रहा हूँ। मेरे हैकर भाई आराम से अंदर सारे काम कर रहे हैं लेस्टर को ढूंढने का, बाकी और चीजों को करने का। देखते हैं भाई अभी क्या होने वाला है। एक चीज आप वो लोग और मत भूलना, शैतान गैंग का प्यारा बॉस वो भी शहर में आ चुका है भाई, वो भी कुछ ना कुछ कर सकता है। अब तो इतने ज्यादा विलन्स मेरे शहर में आ चुके हैं, बट वैसे डरने की बात नहीं है, मेरे दोस्त भी इतने सारे हैं शहर में, इतनी ज्यादा हमारी आर्मी है कि कोई कितने ज्यादा दुश्मन क्यों ना आ जाए कोई हमारा कभी कुछ कर ही नहीं पाएगा। फिलहाल चलिए भाई अभी मैं एयरपोर्ट पे निकल रहा हूँ, मेरे जो गार्ड्स मैंने मंगवाए थे थॉमस वाले वो जल्दी मेरे को आकर के ज्वाइन कर लेंगे, मजा आने वाला फिर। अरे मेरे प्यारे ड्राइवर स्टार्टिंग में ही लगा दी टक्कर भाई, हो गया मुहूर्त खराब, फिलहाल मैंने ध्यान से देखा नहीं। तो चलिए फिलहाल भाई अभी मैं एयरपोर्ट पे निकलता हूँ, वहां पे जाकर के मेरे को एक बंदे से बातें करनी है। वो बंदा टेक्नो का है, वो काफी ज्यादा बंदों को मेरे लिए ला करके आने वाला है, मतलब कि लेकर के आने वाला है। तो वो बंदा मुझसे मिलना चाहता है, उसने बोला ड्राइवर सर मैं आपका एयरपोर्ट पे इंतजार कर रहा हूँ, आप प्लीज फटाफट से आ जाइए। तो ठीक है भाई चलिए वहीं पे जा करके मैं उससे बातें करना चाहता हूँ, वो मेरे को कुछ पूछेगा मेरी डिमांड्स के भाई मेरे को किस टाइप के बंदे चाहिए, कैसे कैसे क्या हिसाब है। भाई आपको बताइए मैंने बोला था कि अभी हम लोग आर्मी को इकट्ठा कर रहे हैं, तो भाई अभी इसलिए मैं आर्मी को इकट्ठा कर रहा हूँ हर जगह से, मतलब जहाँ से हम बंदों को लेकर के आ सकते हैं ना मैं वहीं से बंदों को लेकर के आऊंगा। फिलहाल चलिए पहुंचते देखते कौन है टेक्नो का दोस्त जो मुझसे मिलना चाहता है, उसके बाद मैं अपनी केजीएफ की आर्मी के पास चलूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कहां कहां पर मेरे केजीएफ के बंदे हैं। अमेजिंग है भाई, बहुत सारे आना शुरू हो चुके हैं, ऐसे नहीं कि एकदम से सारे बंदे आ गए हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, अभी 500-600 आए हैं, फिर और आएंगे, करते करते इतने सारे आ जाएंगे, मजा ही आने वाला है। पहुंच गए भाई मैं जगह पर, तो फिलहाल बंदा देखो सामने की तरफ मेरा वेट कर रहा है। ओके तो ये है भाई बंदा, और यहाँ पर लगता है शायद से अभी ये प्लेन से आया है, इसका प्राइवेट प्लेन पीछे की तरफ ही खड़ा हुआ है। हेलो भाई क्या हाल चाल है, तो तू टेक्नो का दोस्त है? फिलहाल दिखने में ये नमूना शायद से देख के रखा है, नहीं देख के रखा। खैर भाई ऐसे बंदे बहुत सारे आपको बताइए मैंने बोल के रखा है, एक जैसी शक्ल के काफी बंदे मिलते हैं देखने में जीटीए को, मतलब कि जीटीए गेम में जैसे पीछे आप देख रहे होंगे सारे गाड़ी एक जैसे लग रहे हैं। तो पॉइंट क्या है मेरे प्यारे भाई, आप बताइए क्या पूछना चाह रहे थे, टेक्नो ने मेरे को यहाँ पे भेजा था, कुछ जरूरी काम है तो पूछिए, मैं आपको बताता हूँ मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, जो जो चीजें मेरे को चाहिए वो सारी चीजें जल्दी पूछवा दे भाई। और अभी फिलहाल टेक्नो कहाँ पर है ये भी बता दे मेरे को। मेरे बंदे से सारी की सारी बातें कर ली है, बंदा मुझे बोल रहा है कि ट्रेवर सर किस टाइप के गार्ड्स आपको चाहिए। मैंने बोला मेरे को टैंक वाले चाहिए, जिनपे टैंक चलाना आता हो, बोट चलानी आती हो, प्लेन चलाना आता हो, हर एक चीज में परफेक्ट हो और कभी भी किसी सिचुएशन से ना डरे, ये भी मेरे लिए भाई गार्ड्स लेकर के आने वाला है। देखो मैं गार्ड्स जहां से इकट्ठा कर सकता हूँ कर रहा हूँ, मैंने थॉमस से करवा लिए, इससे भी करवाऊंगा, इसने भाई मेरी रिक्वायरमेंट पूछ लिया कि मेरे को किस किस टाइप के चाहिए। अब ये मेरे पास ऐसे ही बंदे भेजेगा जिनको हर एक चीज चलानी आती हो, मतलब कार, प्लेन, बस, मतलब ट्रेन, टैक्सी, हर एक चीज। वैसे ट्रेन चलाए कुछ करेंगे नहीं, बट भाई फिलहाल आता है उनको चलाना। पॉइंट क्या है, चलिए बंदा समझ चुका है सारी सारी बातें, और टेक्नो बिजी है भाई, वो भी आएगा, जल्दी आएगा।
तो ठीक है भाई जी, मैं निकलता हूँ। अगर कुछ तेरे को और भी डाउट हो तो फोन करके पूछ लेना, मैं तुझे फोन पे सारी सारी बातें भाई बता दूंगा। तो निकलते चलिए भाई जल्दी से यहाँ से। कुछ ही देर बाद हमारे पास अमेजिंग से बंदे आने वाले हैं जो सच्ची में मजा ही उठा देंगे वहां पे। फिर देखते हैं क्या दंगा मचेगा। मतलब बंदे आज बहुत पिटने वाले हैं। आपको बताइए आर्मी वाले बंदे चैन से नहीं बैठेंगे। लास्ट एपिसोड में मैंने उनके कुछ बंदों को मार दिया था, आपको याद ही होगा। एक बंदा जो भाई अपना मीटिंग कर रहा था, मतलब कि स्पीच दे रहा था, उनका अपकमिंग प्रेजेंट बनना चाह रहा था, मैंने उसको मार दिया था दौड़ा दौड़ा के भगा भगा कर। अब देखते क्या होने वाला है। अच्छी बात क्या है, एयरपोर्ट पे बंदे यहाँ पे नहीं बैठे हुए थे। वैसे एयरपोर्ट मेरा है बट शायद से वो मेरा ना रहे, क्योंकि आपको पता है आजकल पंगा हो के रखा आर्मी ने, और उन्होंने मेरी ज़्यादातर प्रॉपर्टी भाई जब्त कर ली है। हर एक प्रॉपर्टी पर बंदे बैठ गए हैं। आर्मी वाले बंदों ने हर एक प्रॉपर्टी मेरी वापस ले लिया, बोल रहे कि गवर्नमेंट को बिलोंग करती है। ड्राइवर को मतलब कि एक मोस्ट वांटेड बंदा है और उसको डिजर्व नहीं करता प्रॉपर्टी लेने के लिए। तो मेरी जितनी प्रॉपर्टी है उन पर सब पे कब्जा कर रही है गवर्नमेंट। खैर कभी बात नहीं, तो बाद में ले लूँगा वापस जब मैं प्रेजेंट बन जाऊँगा, बट इनकी अगर ठीक करनी पड़ेगी। ठीक है भाई चलिए यहाँ से जल्दी से निकलता हूँ और पता करता हूँ अपने हैकर से कुछ इन्फॉर्मेशन आई हो तो प्लीज़ मुझे बताइए। मेरे हैकर्स मेरे को बोल रहे हैं हाँ ड्राइवर सर कुछ बंदे मतलब हमने भी देखे हैं, आर्मी वाले बंदे तो नहीं है बट वो गैंग के बंदे हैं, बट आर्मी वाले बंदे भी थोड़ी देर पहले उनके पास ही थे। इसका मतलब उनको कुछ ना कुछ प्लान बता के गए हैं। तो अब एक काम कीजिए, उनको मारिए मत, कुछ मत कीजिए, बस उनके व्हीकल्स में जा करके GPS वगैरह लगा दीजिए ताकि हम उनको ट्रैक कर सकें और देख सकें वो बंदे कहाँ पर जा रहे हैं आर्मी की बातों को मान करके। अगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो ठीक है भाई थोड़ी देर बाद निकलूंगा मैं बंदों के पास GPS लगाने के लिए उनके ट्रक्स में, ताकि हमारे बंदे उनको ट्रैक कर सके। भाई देखो आर्मी बहुत बड़ा प्लान बना सकती है, तो मेरे को वो चीज़ पता करनी है और उसके बाद फिर मैं आराम से उनका दी एंड करूंगा हर एक बंदों का। फिर मुझे लगता है देखो वैसे मेरे को लगता है मेरे को सारे बंदों को मारने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। मुझे ऐसा लग रहा है शायद से मेरे को आधे बंदों को हम अगर मतलब पीट सके या फिर मिलिट्री बेस को ऊपर अटैक कर सके तो उससे क्या होगा ना, आर्मी के बाकी बंदे डर जाएंगे और बस फिर लड़ाई हो जाएगी बंद। अगर वो बंदे डर के उन्होंने सॉरी बोल दिया ड्राइवर को तो ठीक है भाई, फिर उनको माफ़ करना सोचेंगे, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, फिर तक जब तक मारेंगे जब तक बंदे सारे खत्म नहीं हो जाते। देखते हैं भाई जैसे भी जो बेटर रहेगा मतलब कि बेटर ऑप्शन लगेगा मुझे मैं उसी को फॉलो करने वाला हूँ। फिलहाल उससे पहले मैं जाऊंगा एयरपोर्ट पर। मैंने आपको बोला था ना मेरे प्यारे प्यारे बंदे पहुंच चुके हैं, KGF वाले बंदे, मेरे वो बंदे जिनको मैंने सौंप के रखे थे, मतलब KGF को आजकल संभाल रहे थे, वो बंदे आ चुके हैं, उनको लेकर के आना शुरू हो गए हैं बंदे। अब देखेगा भाई अगर आज वॉर हुई ना तो सच्ची में बहुत ज़्यादा लड़ाई होने वाली है। लड़ाई तो होगी भाई, इसलिए मैंने आर्मी मंगाई है क्योंकि अपनी मिलिट्री भी चैन से नहीं बैठेगी, मेरे को इतना पक्का पता है। और भाई मैं भी नहीं बैठूंगा, वो इसलिए क्योंकि मतलब भाई स्वैग कम हो जाएगा ड्राइवर का। अगर मैं आर्मी से आज पिट करके बैठ गया ना तो कभी भी कोई भी माफी मुझसे कभी नहीं डरेगा। हर कोई यही बोलेगा ड्राइवर तेरे को आर्मी ने धूल चटा दी थी और तू हार गया था। पहुंच चुका हूँ भाई मैं एयरपोर्ट पर, तो बंदे आना शुरू हो चुके हैं हर एक व्हीकल के साथ में। ये यहीं पर नहीं रहेंगे, अभी यहाँ से सारे सारे बंदे पूरे शहर में चारों तरफ फैलेंगे। वहाँ पे फैलने के बाद में मेरे को हर जगह इन्फॉर्मेशन देंगे कि ड्राइवर हमने यहाँ पे बंदों को पकड़ा, यहाँ पे बंदों को पकड़ा है, और उनको जान से मारेंगे फटाफट से, चाहे वो आर्मी है या गैंग कोई भी हो। तब का दी एंड होने वाला है, जिसने माफी मांगी उसको देखेंगे छोड़ने के लिए, नहीं तो मैं सबको मारने वाला हूँ। आप देख रहे हो फिलहाल बंदे आना शुरू हो चुके हैं, कुछ यहाँ पर है कुछ अलग जगह पर है, और ये है हमारे वो बंदे जिनको सभी को संभाल रहे थे। हेलो भाइयों क्या हाल चाल है, देखो टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करो, मैंने बंदे देख लिए, मैंने ऑलरेडी वैसे KGF की आर्मी देख करके रखी है, मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। यहाँ पे कोई भाई शो नहीं चल रहा कि तुमने इनको ऐसे खड़ा कर दिया खाली, फटाफट से लेकर के जाओ इनको जगह पर, काम समझाओ, हर एक शहर में कोने कोने में इन बंदों को फैलाओ और पता करो कहाँ पर बंदे हैं आर्मी के, कहाँ पर पुलिस के बंदे और कहाँ पर वो स्पेशल गैंग के बंदे हैं जो मुझे धोखा दे करके आर्मी के साथ मिल गए। समझ रहे हो ना हर एक चीज़ जल्दी। ठीक है तो भाई फिलहाल ये दो बंदे हैं मेरे लिए ही काम करते हैं, मतलब एक तरीके से मैनेज करते हैं KGF पूरी की पूरी आर्मी को मेरे पीछे। मैंने बोल के रखा है भाई, आपको पता है ट्रेवल काफ़ी बिजी रहता है, मेरे को टाइम नहीं मिल पाता हर एक बंदे को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, तो मैंने इनको बोल के रखा है कि भाई तुम आज से सारी सारी चीज़ें संभालो और जब तुम चीज़ों को संभाल लो तो मेरे को बता दिया करो। ओके भाई ये समझ में आ गई ना बात, तो सबसे पहले मेरी बात सुन लो चाचा जी, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, अगर अटैक होता है ख़त्म कर देना एकदम, मेरे से फ़ोन करने की परमिशन मत लेना, मैंने ऑलरेडी परमिशन दे दी है, चाहे कोई भी वो बंदा हो, समझ रहे हो ना, एंड करना भाई सीधी। देखो वो रहे और वोर में मारते ही हैं, ऐसा नहीं है कि भाई बंदे को छोड़ना है। अब बंदों ने शुरुआत करी है उस चीज़ की वोर की, तो फाइनली अब मैं इसका एंड करूँगा। मानता हूँ देखो मैं वायलेंस काफ़ी करता नहीं हूँ और वैसे काफ़ी टाइम से मैंने कम भी करके रखा हुआ था लास्ट एपिसोड्स में, मतलब इतने ज़्यादा एपिसोड्स हमारे बीत चुके हैं जिनमें लड़ाई भाई ना के बराबर ही थी, मतलब कि शायद से मुश्किल से बहुत ही कम बंदों को मारना पड़ता था, वो भी लास्ट में जाकर के अगर मारना पड़ गया तो। बहुत से एपिसोड तो ऐसे भी निकल गए जिसमें पूरे एपिसोड में फाइट ही नहीं होती थी, बट फिलहाल भाई मैं तो यही चाहता था कि कभी वायलेंस ना हो, बंदे ना मरे वगैरह वगैरह, आर्मी मेरे साथ रहे, मेरी बात मानती रहे और गैंग वाले बंदे मेरी बात मानते रहे और मैं उसमें ऊपर रहूँ।
मैंने यही चाहा था भाई कि सभी को दोस्त बना के रखूं, बट वही है ना। देखो भाई इस बार मेरी कोई गलती नहीं है, आर्मी ने खुद पंगा लिया है। मैंने जब से अपने चार्ली को अपनी टीम में लिया था, वैसे मैंने चार्ली का दी एंड कर दिया आपको पता ही है, बट तब से जब से मैंने उसको टीम में लिया था ना, आर्मी ने मुझसे जानबूझ के पंगा लिया। आर्मी ने मुझे भाई मतलब कि मारने की कोशिश करी, उन्होंने चाहा कि मैं इलेक्शन छोड़ दूँ। सबसे पहले आकर के उन्होंने लड़ाई शुरू करी। मैं अपने हैकर वाले बंदों की जगह पर पहुंच चुका। मेरे हैकर से आपको याद है भाई थोड़ी देर पहले फोन करके बोला था कि जल्दी से ट्रक्स में जाकर के जीपीएस लगाओ ट्रेवर भाई, और उन बंदों को हम लोग फॉलो करेंगे। ओके तो फिलहाल भाई काफी बंदे ऊपर की तरफ खड़े हुए हैं, अगर बंदर मेरे को देख ले तो गोली चला देंगे, ना देखा तो बहुत अच्छी बात है भाई, मेरा फायदा हो जाएगा। ओके फिलहाल तो काफी बंदे ऊपर की तरफ राउंड लगाने में लग रहे हैं, और बंदर ने मेरे को यहां तक आते हुए नहीं देखा। ट्रक्स के पास देखता हूं भाई कोई है क्या। ओके भाई कोई भी नहीं है, परफेक्ट। ट्रेवर मेरे प्यारे भाई आराम से निकल आगे की तरफ, बढ़िया बढ़िया। तो इसका मतलब गाड़ियों के पास कोई बंदा नहीं है, तो एक काम करता हूँ भाई इस गाड़ी में और इन दोनों ट्रक्स में जीपीएस लगा देता हूँ। जब भी जहाँ पर भी ये दोनों को मतलब तीनों के तीनों व्हीकल कहीं पर भी निकलेंगे ना, हमें पता चल जाएगा सारी चीज़ें, और फिर देखेंगे कि बंदे जाग रहे कहाँ से मिल रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं, कोई बॉम्ब लगाने के पाले, मतलब भाई कुछ भी कर सकते हैं। बहुत से मेरे बंदों ने मेरे को इन्फॉर्मेशन ये दी है कि ये बंदे मेरे घर पर या फिर कहीं पर भी बॉम्ब भी लगा सकते हैं मेरे को परेशान करने के लिए। तो सिर्फ हमें बस ये पता करना है, चाहूँ तो मैं सभी को एक साथ मार सकता हूँ, बट उससे कोई फायदा नहीं है भाई, कुछ बंदों को जिंदा भी तो छोड़ेंगे ना ड्रा करके। अगर मैंने सबका एंड कर दिया तो लूज सेंटर्स में कोई भी नहीं बचेगा जिसके ऊपर मैं रूल कर सकूं, राज कर सकूं, कोई नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे। अगर मैंने पूरी आर्मी मार दी तो फिर कैसे काम चलेगा भाई, थोड़े बहुत बंदे जिंदा भी होने चाहिए जो मेरे लिए काम करने चाहिए मेरे नीचे रह करके। सबको मारने कोई फायदा नहीं है, बस इनके अंदर दिल में डर पैदा करना है आधे बंदों को मार करके, ताकि आधे बंदे सॉरी बोलने लग जाए। अगर सबको मार दे तो मैं तो अकेला रह जाऊंगा लूज सेंटर्स में, और कुछ शरीफ बंदों के बीच में कोई भी नहीं होगा, ना आर्मी होगी ना पुलिस होगी, फिर तो मजा खराब हो जाएगा ना। मैंने तीनों के नीचे भाई आराम से जीपीएस छोटा सा ट्रैकर चिपका दिया है, अब आराम से जहां जहां जाएंगे इन्फॉर्मेशन तो आती रहेगी। तो देखते हैं ट्रेयर ब्रो क्या क्या चल रहा है खिचड़ी इन सभी के बीच में। और जब से मैंने शैतान वाले बॉस को देखा है ना भाई, सच्ची में दिमाग खराब हो गया। अब देखते हैं वो बंदा क्या प्लानिंग करा रहा है, मतलब वो बंदा ना मेरे लिस्ट में टॉप 3 विलन्स में आता है भाई। वो पहले गॉडफादर आता था, खैर अब वो लिस्ट से चला गया, पर टॉप 3 विलन्स में मेरे लिस्ट में अभी भी भाई अपना शैतान वाला बॉस आता है। आपको याद होगा वो बहुत पुराना बंदा, अगर आप लोगों ने लास्ट एपिसोड नहीं देखे, काफ़ी पुराने एपिसोड्स है शायद से भाई, बहुत ही पुराने हैं वो, आपको सर्च करने पड़ेंगे शैतान कुछ करके। मतलब वो ये जो बंदा है ना, ये सबसे खतरनाक था एक टाइम पर, इसको मारने में मैंने बहुत टाइम लगाया था और ये बंदा भाग गया था गैरेज से, आपको याद ही होगा। चलिए खैर आ गया फाइनली मरने के लिए, अच्छा वो आ गए भी एक साथ सभी को मारेंगे। मैंने अपने दोनों जनरल्स को फोन किया है भाई, चलिए उनसे भी जाकर के बात कर लेता हूँ। वैसे मेरे को पक्का बताया दोनों फ्रॉड है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम उनको शैतान वाले बॉस के साथ देखा था, बट फिर भी मैंने उनसे फोन किया। मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं मिलना चाहता हूँ। देखिए भाई अब दोनों बंदे क्या बोलेंगे, अभी तक मैंने उनको रंगे हाथों नहीं पकड़ा ना, जब तक मैं उनको भाई किसी स्पॉट पर नहीं पकड़ता, जगह पर नहीं पकड़ता, मतलब कि जो मतलब मेरे खिलाफ कुछ प्लानिंग करते हुए नहीं पकड़े जाते ना, तो जब तक मैं प्रूव नहीं कर सकता कि भाई दोनों मेरे खिलाफ है नहीं है, क्योंकि वो बंदे झूठे एक नंबर के, आंखों में आंखें डाल के झूठ बोलते और बोलते कि ट्रेवर सर हम आपके साथ है, हम आपके भाई हैं, हम दोस्त है, तो यार कैसे काम चलेगा। इसलिए जब तक उनको रंगे हाथों नहीं पकड़ूंगा ना, वो बंदे नहीं मानने वाले। मैंने फिलहाल दोनों जनरल्स को बुलाया था, आया ना वो ना एक ही यहाँ पर मिलने के लिए, मेरे प्यारे प्यारे सीनियर जनरल। अच्छा जरा मेरे को बताओ दूसरा वाला तुम्हारा भाई कहाँ पर है, मैंने उसको भी बोला था आने के लिए। मैंने इससे बातें कर लिया, बंदा मुझे बोलता यार ट्रेवर सर बहुत जरूरी काम आ गया था इसलिए मेरे प्यारे भाई वो नहीं आ सका, सो सॉरी। ये बंदे कुछ ना कुछ तो खेल खेल रहे हैं। और पता है मुझे अब क्या बोलता है कि ट्रेवर मेरे प्यारे भाई मेरे को नहीं पता आर्मी का क्या प्लान चल रहा है, बट प्लान बहुत बड़ा है ट्रेवर, हाँ इतना पक्का कह सकता हूँ तेरे को जान से मारने का प्लान वो बंदे कर रहे हैं। देख रहे हो भाई, मतलब कि जान से मारने का प्लान चल रहा है, देखते जैसे भी होगा मैं पता लगा लूंगा। और फिर मुझे बाद में बोलता है कि ट्रेवर यार सो सॉरी मैं तेरी इस बात कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आर्मी वाले बंदे खुद ही अंदर अंदर प्लान कर रहे हैं, ना मुझे बता रहे और ना दूसरे चैनल को बता रहे। लगता है उन दोनों को शक हो चुका है कि हम तुम्हारे लिए काम करते हैं ट्रेवर, इसलिए हमारे से कुछ नहीं बताया जा रहा। ये तब इसकी बात यार सच्ची हो सकती है फिर झूठी है। ये बंदा बोल रहा है कि हम दोनों को कुछ नहीं बता रहा, बट प्लान चल रहा है तुम्हें मारने का ही, इसलिए संभल कर रहना, सावधान रहना, इसने बस मेरे को यही बोला। ओके जी थैंक यू, आपने मेरी काफ़ी हेल्प कर दी, आप सच्ची में महान हो, आपको मैं सीधा ऊपर पहुंचाऊंगा अगर आपकी बात गलत निकली। आप ठीक है अभी घर पर पहुंचे और मजे लीजिए। तो ठीक है चलिए भाई, मैंने इसको बोल दिया सारी की सारी बातें। एक नंबर का झूठा है यार, कोई तो दो नंबर का होता है और कोई तीन नंबर का होता है, बट ये एक नंबर वाला है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा झूठा है यार। लगता है कोई इंस्टीट्यूट से पढ़कर आया, झूठ बोलने का कोर्स इसने किया है वो मेरे को पता लगाना पड़ेगा, और मुझे भी उस कोर्स को करना चाहिए मुझे ऐसा लगता है। खैर चलिए वो कभी करेंगे फुर्सत में। यहाँ से निकलता हूँ भाई, अभी मेरे को एक और जगह पर आराम से ट्रेवर की प्यारी गाड़ी निकलता हूँ भाई। अभी मैं वेपन्स लेने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरे को ना आपको पता है मेरी आर्मी आई है, तो उनके लिए वेपन्स मेरे को स्पेशल वाले लेने हैं, इसलिए मैं ब्लैक मार्केट में जा रहा हूँ। मेरे को मतलब कि मेरे हैकर्स ने खबर दी है, बोला है कि ट्रेवर सर जल्दी से अपने
ब्लैक मार्केट वाले एरिया पर निकलिए भाई। आपको याद है ब्लैक मार्केट वाला वही एरिया जहाँ पे एक बंदे ने उनको धोखा दिया था, उस बंदे को तुमने मार दिया था, बट ब्लैक मार्केट आज भी चल रही है, वहाँ पे किसी और बंदे ने उसको ओपन करके रखा हुआ है। तो वहाँ पर बहुत सारे खतरनाक वेपन्स आए हैं जो कि भाई टक्कर के जैसे एलियन गन जैसे वेपन्स मेरे पास भी बहुत है बट उस टाइप के नहीं है। आपको बताया आर्मी के लिए मैंने वेपन्स इतने इकट्ठा करके नहीं रखे थे, मैं अपने लिए लेकर के आ जाता और अपनी टीम के लिए, बट भाई आर्मी को एकदम से बुलाना पड़ गया तो वेपन्स की थोड़ी कमी पड़ गई अभी हमारे पास में, इसलिए मेरे को ब्लैक मार्केट में जाकर के वेपन्स खरीदने पड़ेंगे भाई जितने ज्यादा मेरे को मिल सकते हैं। पहुंच चुका हूं मैं ब्लैक मार्केट पर, मेरे पास फोन आ चुका है मेरे थॉमस का भी और टेक्निकस बंदे का भी। दोनों बंदे मेरे को बोल रहे ट्रेवर सर बस एक या दो घंटे में आपकी पर्सनल आर्मी आपके पास होगी। मैंने बोला भाई थैंक यू, अब आएगा भाई मजा, उनमें इतनी स्किल्स होने वाली है, वो हेलीकॉप्टर बहुत अच्छे से उड़ाएंगे, मतलब उनके पास हेलीकॉप्टर की बहुत अच्छी स्किल है, वो प्लेन उड़ाएंगे मेरे लिए और मतलब भाई काफ़ी चीज़ें होगी। नहीं तो आपको पता है जो मेरे गार्ड्स अपने लेकर घूम रहा था ना आजकल, जो गाड़ी में बैठ जाते थे लटक जाते थे, वो बंदों में इतनी स्किल्स नहीं थी भाई, वो बंदे हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा सकते थे ना, वो प्लेन उड़ाना जानते थे, वो सिर्फ कार चलाना जानते थे। तो इसलिए अब की बार ऐसा मैंने नहीं किया, अब की बार मैंने मल्टी टैलेंटेड बंदों को बुलाया जो हर एक व्हीकल को ड्राइव कर सकते हैं चाहे वो कोई सी भी चीज़ हो। सबसे पहला पॉइंट, वो दुनिया का कोई भी वेपन्स चला सकते हैं, मतलब कि उनके सामने कोई भी वेपन नया नहीं है, कुछ भी दे दो उनको आप, एलियन गन से लेकर वो पिस्टल तक सारी चीज़ें चलाना जानते हैं। आपको बताए भाई वेपन चलाना भी सीखना पड़ता है, ऐसा नहीं होता कि पिक्चर में दिखा दिया ट्रिगर चलाया मतलब कि ट्रिगर दबाया और गोली चल गई, बहुत सारी चीज़ होती है वेपन में भाई, लॉक सिस्टम होता है, रिलोड करना अलग होता है हर एक वेपन को, हर एक वेपन अलग तरीके से रिलोड होता है, उसकी ट्रेनिंग होती है, खैर वो अलग चीज़ है। पॉइंट कहने की बात है वो बंदे हर चीज़ जानते हैं पहले से ही, तो देखते हैं भाई। वैसे पैसे मैंने काफ़ी दिए उस चीज़ के, बस मज़ा आ जाए तो ठीक है भाई। जितनी भी सारी सारी यहाँ पे क्रेट लग रही है ना सब ले लेते हैं, हर एक वेपन को मैं खरीद लेता हूँ, मतलब हर एक सिंगल क्रेट को। वेपन्स काफ़ी सारे जैसे कि आप देख रहे होंगे, काफ़ी बड़े बड़े वेपन हैं और देखने में एक एम लग रहे हैं, और कुछ वेपन शायद से वो वाले हो सकते हैं जिसमें 200 राउंड आते हैं, मतलब कि एक राउंड में 200 गोलियाँ होती है, तो वो भी भाई काफ़ी हमारे काम आने वाला है। वाह भाई वाह, लगता है ब्लैक मार्केट काफ़ी ज़्यादा तरक्की में कर रहा है, मतलब कि ब्लैक मार्केट जो है अपनी लड़कियाँ भी यहाँ पे इलीगल सामान खरीदने आई है। सही है भाई सही है, यही मेरे को देखना बाकी रह गया था। तो फिलहाल यहाँ का ओनर कहाँ पर है चलिए उससे मिल लेता हूँ और यहाँ पे सारे सारा काम करने के निकलता हूँ। ये देखो नकली पैसे खरीदने आए, यहाँ पे नमूने बहुत सारे वेपन्स है यार, इन्फॉर्मेशन सही थी, हर एक वेपन मेरा हुआ। बात करता हूँ पैसे मतलब पेमेंट करता हूँ और निकलता हूँ यहाँ से। पेमेंट मैंने कर दी है, थोड़ी देर में मेरी आर्मी यहाँ पे आकर के केजीएफ की आर्मी, ये केजीएफ आर्मी के लिए मैंने वेपन्स मंगाए, बाकी और बंदे के लिए, बाकी जो मेरी आर्मी अलग से आने वाली है उनके लिए वेपन्स की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने पर्सनल वेपन साथ में लेकर के चलते हैं, उनके पास लाइसेंस वाले वेपन है, वैसे लाइसेंस की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको बताइए ड्राइवर तभी खैर काफी ज्यादा खतरनाक काम कर देगा जिसमें लाइसेंस की जरूरत तो नहीं पड़ने वाली। तो पॉइंट क्या, चलिए फिलहाल भाई निकलता हूँ, मेरे पास मेरे बंदों का फोन आया, अमेजिंग काम चल रहा है भाई, मेरे बहुत सारे बंदे प्लेन्स भी लेकर के आ चुके हैं। देखो आपको पता है भाई ऐसे सिचुएशन में अगर मान लो बहुत बड़ी लड़ाई बची ना, अभी एक तरीके से सोच लीजिए मैं भी एक तरीके से तैयारी कर रहा हूँ, जंग की तैयारी करनी पड़ती है शुरू से, मतलब के होने से पहले, अगर मान लो एकदम से लड़ाई बच गई तो मेरे पास सारी चीज़ें नहीं मिल पाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं सारी तैयारियाँ कर रहा हूँ। मैंने वेपन्स ले लिए, आर्मी बुला ली, अब मैंने मंगाए बहुत सारे फाइटर प्लेन्स, वो इसलिए भाई क्योंकि अगर मान लो लड़ाई काफ़ी बड़ी हुई तो बहुत ज़्यादा प्लेन्स काम आते हैं फाइटिंग में। आपको बताइए भाई स्काई फोर्स काफ़ी काम आती है लड़ाई के टाइम पर, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, उनको मारा नहीं जाता जल्दी से पर वो सबको मार डालते हैं। पहुंच चुका हूं भाई मैं जगह पर, तो फिलहाल आप देख रहे हो ये रहे हमारे अमेजिंग फाइटर प्लेन्स, यहाँ पे सारे के सारे हैं, पुराने ज़माने के भी है और नए ज़माने के भी है। भाई देखो ओल्ड इज गोल्ड कब यूज़ करना चाहिए, ये उस टाइप के प्लेन्स हैं जो भाई वर्ल्ड वॉर टाइप की फाइट में यूज़ किए गए थे। मैंने ये भी मंगाए हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे फाइटर भी मंगाए, मतलब कि अपने हाइड्रा वाले फाइटर प्लेन भी मंगाए जैसे कि आप देख रहे हो। हेलो भाइयों पहुंचो पहुंचो फटाफट से, तो ये भी केजीएफ की टीम है भाई, जो बहुत सारे बंदे यहाँ पर पहुंच चुके हैं, आप सामने देख रहे हो प्लेन से कमी नहीं है भाई, धीरे धीरे आएंगे सारे की सारी चीज़ें, आने दो आर्मी को, मैं भी तो देखूँ हमारे लॉस सैंटोस की आर्मी क्या तैयारी कर रही है, और मेरी तैयारी तो अच्छी चली रही है जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, मैं तो हर एक तरीके से तैयारी कर चुका हूँ, वेपन्स भी आ चुके हैं, प्लेन्स भी आ चुके हैं, टैंक्स तो ये लेकर के आ ही गए थे, आपने देखा जब स्टार्टिंग में यहाँ पर आया था। देखा जाए तो बस सबसे कुछ अच्छी अच्छी कार्स की जरूरत है जिसके ऊपर मिनी गन हो वगैरह वगैरह, कोई सी अच्छी सी गन हो, मशीन गन हो, वो भी देखना है, और हेलीकॉप्टर भी मंगाने हैं भाई, क्योंकि देखो वो भी बहुत ज़रूरत पड़ते हैं। आपको बताया जो मिनी गन वाले हेलीकॉप्टर होते हैं उसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है लड़ाई में, वो भी परफेक्ट होते हैं। वैसे देखो फिलहाल ये बंदे कुछ लेकर के आए हैं, हाँ भाई देखो सामने वही मशीन गन वाला हेलीकॉप्टर शायद से खड़ा हुआ है, एक सेकंड में आगे जाकर के चेक करता हूँ ये वही है या अलग वाला है। हाँ भाई ये वही वाला है, ये मशीन गन वाला हेलीकॉप्टर आप देख रहे हो, ऐसा बजाता है बहुत बुरी तरीके से, ये बहुत अच्छा हेलीकॉप्टर है, इसको हम यूज़ करेंगे बाद में चल के। तो ठीक है भाई चलिए काफ़ी अच्छा हो चुका है, मतलब मैंने काफ़ी चीज़ें देख ली है। ओके भाई ये बहुत बढ़िया, इनको सभी को जगह पर लेकर तुम लोग पहुँचो, रात काफ़ी हो चुकी है, अटैक का भी हो सकता है, इसलिए अलर्ट रहना,
मैं निकलता हूँ, देखते हैं जब भी कुछ होगा मैं आऊंगा तुम्हारे पास में। तो ठीक है भाई, बंदे काफी सामान लेकर के पहुंच चुके हैं, यहाँ से निकलता हूँ। मेरे कुछ बंदों का फोन आया भाई, उन्होंने कुछ बंदों को पकड़ लिया। चलिए फटाफट से पहुंचते हैं, मजा ले गए जा करके, कुछ गैंग वाले बंदे पकड़े गए हैं। तो देखते हैं बंदे क्या बोलेंगे, अगर बोलेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उनका नेता बनाएंगे कुछ और करके। चलिए पहुंचता हूँ जगह पर, मैं जगह पर पहुंच चुका भाई। लगता है फाइट काफी खतरनाक हो गई रखी है यहाँ पे, तो बहुत ज्यादा बंदों को नेता बना के रखा हुआ है। ओके ये रहे मेरी प्यारी केजीएफ की आर्मी, मैंने बोला था ना भाई वो हर जगह चारों तरफ शहर में फैल चुकी है और सारा का सारा काम करेंगे। देखो एक साथ आ गए कोई फायदा नहीं होता, मैंने शहर में पूरे हर एक कोने में गैंग को फैला दिया है अपनी आर्मी को, ताकि जहाँ जहाँ पर इनको बंदे मिलेंगे ये वहाँ वहाँ से उठाएंगे। तो पीछे कुछ बाला वाले बंदे और कुछ अलग गैंग के बंदे ने पकड़ लिए। हेलो मेरी प्यारी आर्मी, जरा मेरे को कुछ टाइम दो, मैं बंदों से बातें करता हूँ। हेलो भाइयो कैसे हो, देखो अगर जिंदगी चाहते हो तो जैसा ये बंदे बोले ऐसा ही करना। तो इनको मैं कुछ समझाता हूँ, यहाँ से निकलता हूँ, मेरे को और भी बहुत सारे काम है। थैंक यू भाई, तुम लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है। अच्छा जरा मेरी बात सुनो, पूरी रात इनको पीटो और इनसे पूछो क्या क्या इन्फॉर्मेशन जानते हैं, अगर बता दिया तो बहुत अच्छी बात है, फिर मैं बताऊँ करना क्या इनके साथ में, अगर नहीं बताया तो खत्म कर देना ठीक है। बट इनके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि हमारे पास और भी बहुत ज़्यादा काम है। तो ठीक है भाई, ये तुम लोगों ने बात सुन ली है, बता दोगे तो बच जाओगे, नहीं तो सीधा ऊपर जाओगे, सूरज कल का तुम देख नहीं पाओगे। तो ठीक है यहाँ से निकलता हूँ, मैंने इनको बता दिया सारी सारी बातें। भाई देखो सीधी सी बात यही करना पड़ेगा, नहीं तो भाई ये हमारे ऊपर कल को अटैक करेंगे, तो इसलिए मैं ऐसा काम बिल्कुल नहीं करूँगा। अभी जो हाथ में लगता है मौका वही सारा काम कर लो। तो ठीक है भाई, आज हमारा पूरा का पूरा दिन तैयारियों में ही बीत चुका है, अब करते हैं कल से वॉर शुरू। देखते हैं भाई कहाँ पे किस वक्त पहली लड़ाई शुरू होगी, अब पहल कौन करेगा, मतलब आर्मी करेगी हम करेंगे तो देख लेंगे। वैसे भाई आर्मी ने शुरुआत तो करके रखी है पहले से, तो अब तो बस मेरे को काम खत्म करना है। तो देखते हैं कल का इन्फॉर्मेशन मिलेगी कहाँ पर लड़ाई होगी, पता लग जाएगा। फिलहाल भाई अगला दिन हो चुका है और मैं अपने बंकर से वापस आराम से सक्सेसफुली और सेफली बाहर आ चुका हूँ, कोई अभी तक दिक्कत नहीं हुई है। इसका मतलब अभी हमारा बंकर लीक नहीं हुआ, मिलिट्री को कुछ पता नहीं चला इसके बारे में, पॉइंट क्या है। फिलहाल चलिए भाई जंग की शुरुआत करते हैं। फिलहाल मैं अपने गार्ड्स को फोन करके बोलूंगा थोड़ी देर में मेरे को फॉलो करना शुरू करें। सारे सारे गार्ड्स आपको बताया पहुंच ही गए थे कल रात ही, एक दो घंटे पहुंचने वाले थे, पहुंच चुके हैं। फिलहाल उनको जब बुलाऊंगा जब मेरे को उनकी जरूरत पड़ेगी, अभी जहां पर मैं जा रहा हूं वहां पर मेरे को उनकी जरूरत बिल्कुल नहीं है। फिलहाल बस मैं एयरपोर्ट में घुसूंगा चुपचाप से। वहां पर पता है ना एक बंदा है भाई, पता है क्या स्पीच दे रहा है, मार्टिन नाम उसका है, बंदा स्पीच देने में लग रहा है ड्राइवर को मैं खत्म करूंगा, टेंशन मत लो लॉस सैंटोस की आर्मी और जनता, मैं सिर्फ स्पेशली यहाँ पे ड्राइवर को ही खत्म करने आया हूँ। ये बंदे की बहुत ज्यादा ऊंची लेवल की पोस्ट है, जैसे भाई देखो FI भी है, पुलिस है, आर्मी है, इन सब में लेवल के हिसाब से बंदों को जॉब पर रखा गया है, मतलब पोस्ट के हिसाब से बंदों का भाई स्टैंडर्ड है। तो ये बंदे की पोस्ट जो है ना वो काफी ज्यादा खतरनाक है, और ये बंदा FIB का सबसे ज्यादा सीनियर बंदा है, FIB का सबसे सीनियर बंदा। तो एटीट्यूड भी इसका ज्यादा हाई रहेगा भाई, आपको पता है भाई जितना ज्यादा बंदा पोस्ट पर होता है उसका एटीट्यूड उतना ही ऊंचा होता है। तो अपने एटीट्यूड के चलते हुए इस बंदे ने मुझे धमकी दे डाली, और वो भी अभी भी लाइव पर मेरे को धमकी देने में लग रहा है कि मैं करूंगा ट्रैवल खत्म, मैं शहर में आ चुका हूँ। फिलहाल ये बंदा शहर में नहीं था, कहीं पे गया हुआ था, वो मेरे को पक्का नहीं पता कहाँ पे गया हुआ था, इतनी इन्फॉर्मेशन अभी हमने नहीं निकाली, बट ये शहर में आ चुका क्योंकि इसको पता लगा होगा भाई ऐसा काम हो गया लॉस सैंटोस में। आते ही सीधा इसने कुछ नहीं देखा, मेरे को धमकी दे डाली। अरे मेरे भाई पहले देख तो लेता सिचुएशन क्या चल रही है। ड्राइवर फिलिप्स की LED पहुंच चुका है फाइनली एयरपोर्ट पर, मजा आएगा भाई मजा आएगा, इनको तो मिट्टी में मिला देगा ड्राइवर। चलो ट्रेवर भाई, तो ठीक है भाई वॉर की शुरुआत करते हैं, अब देखते हैं कितने बंदे लाइन से मरने वाले हैं। यहीं पर लड़ाई नहीं होगी, पता नहीं कहां कहां पर लड़ाई होगी। अब ट्रेवर को सांस नहीं मिलने वाला, अब मुझे लगता है भाई जितना एपिसोड बचा है उसमें लड़ाई लड़ाई में निकल जाएगा पूरा का पूरा। और आगे भाई सिचुएशन ऐसी है, पता नहीं अब तो कितने दिन तक हमारी लड़ाई बचने वाली है, क्योंकि इसको कहते हैं जंग की शुरुआत आज हो चुकी है। और भाई देखो मैंने आपको मतलब स्टार्टिंग में बोल दिया था मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मतलब कि मैंने लड़ाई करना कभी नहीं चाहा था, लॉस सैंटोस ही मुझसे लड़ना चाह रहा है, तो अब सीधी सी बात है मैं हार नहीं मानूंगा, जब तक मैं जीत नहीं जाता या हार नहीं जाता, दोनों में से एक की हार तो होनी पक्की है। सीधी सी बात है कि जब कोई बंदा लड़ेगा तो एक तो जीतेगा ही और एक हारेगा, अब देखना ये है वो कौन जीतेगा कौन हारेगा, मैं जीतूंगा या हारूंगा वो फैसला भाई मैं अभी पक्का नहीं कर सकता, क्या पता आर्मी भी जीत जाए, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए, कुछ भी हो सकता है भाई ये लड़ाई है, इसलिए प्लानिंग से चलोगे तो बढ़िया रहोगे भाई। आ जाओ जल्दी से, इतनी एलियन गन मारोगे, देखिए मेरे को टाइम नहीं है क्योंकि मैं यहाँ के बंदों को अकेला मारने के लिए आया हूँ, तो मेरे को इतना टाइम नहीं है कि भाई मैं सभी बंदों को मतलब कि आराम आराम से मारूंगा। अरे उड़ा डालो फटाफट से यार, एलियन गन कब काम आती है, मैंने नेता बना दिया पूरे एयरपोर्ट का, मार्टिन दे ले बेटा न्यूज़ दे ले, मैं भी लाइव न्यूज़ देने में लग रहा था यार, कोई बात होती है, देखो बदतमीजी लेवल करो बट इतनी मत करो कि भाई साहब मजा सही आ जाए, उड़ उड़ के जा रहे हैं बंदे, कोई यहाँ जा रहा है कोई वहाँ जा रहा है। ठीक है यार चलिए, बहुत बुरा मैंने बंदों को नेता बना दिया है, मार्टिन भाई की तो धूल उड़ गई होगी, मतलब पता नहीं चला होगा कौन से देश में निकल गया बंदा, काम खत्म हो चुका है। इस देखो प्लेन वाले को स्पीड से बैग लेके भाग के प्लेन को, भागो ड्राइवर ने यहाँ पे हल्ला मचा करके रखा हुआ है। ओके तो फिलहाल चलिए भाई मेरा काम यहाँ पूरा हो चुका है, अब होगा असली मजे का काम शुरू।
देखते हैं मार्टिन की मौत का बदला कैसा पुलिस लेने वाली है। मेरे कुछ बंदों ने मेरे को और बुलाया, भाई चलिए वहाँ पे जाकर उनसे भी इन्फॉर्मेशन लेता हूँ, कुछ मेरे को बोलना चाहते हैं। वो पीछे की तरफ है भाई, वो माउंट शिल्ड के जो एरिया है कुछ बंदे वहाँ पर पहुँचे हैं, पहुँचने वाला हूँ भाई मैं अपने प्यारे भाइयों के पास में, बस थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगा। इस वाले एरिया में कुछ बंदे यहाँ पर आकर के रखते हुए हैं। चलो ट्रेयर ब्रो, चलो चलो जल्दी से चलो, क्योंकि कुछ बंदे तो बंदों को मारने का काम कर रहे हैं और कुछ बंदे सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही निकालने का काम कर रहे हैं। देखो हर एक जगह मैंने बंदों को डिवाइड कर दिया, देखो मैं डिवाइड करके काम चलने वाला है। अभी मैं स्ट्रेटेजी खेल रहा हूँ, अगर मैं बेवकूफ़ी की तरह की लड़ाई करूँगा ना, मतलब कि सारे बंदे एक साथ इकट्ठे करके रखूँगा और सारे के सारे बंदे फिर बस एक ही काम में लगे रहेंगे, तो वो हो जाएगी बेवकूफ़ी। इसलिए मैंने हर बंदे को डिवाइड कर दिया कि भाई तेरा काम ये है, तो सिर्फ इसी काम को करना, हर बंदा अपना अलग अलग काम संभालेगा, तो उससे क्या होगा, काम बढ़ जाएगा और सब बंदे अपने काम को परफेक्ट करेंगे, क्योंकि सब का काम अलग है भाई, किसी का काम सेम नहीं है। तो ये बंदे अलग यहाँ पे आकर के रखे हैं। हेलो मेरे प्यारे भाइयों, अरे यार दिखने में बदमाश जैसे लग रहे हैं, ये कौन से बंदे की आर्मी है, केजीएफ आर्मी तो नहीं है। खैर पता करना पड़ेगा क्या होता है भाई, डगन के बंदे हो किसी और के बंदे हो, पता करता हूँ मैं, फिलहाल मेरे को बताते भी नहीं है बंदे। हेलो मेरे प्यारे भाई, अच्छा बोलिए क्या दिक्कत है। बंदे ने मेरे को बोला कि ट्रेवर सर आपको पता नहीं है यहाँ पर, ये बंदे भाई अपने बिग माफिया के बंदे हैं। मैंने बोला थैंक यू सर, बिग माफिया के बंदे यहाँ पर आकर के रुके हुए हैं, बिग माफिया ने भी अपने बंदों को सेम बातें बोली है, वो भी अलग अलग जगहों पर फैल चुके हैं और सारा का सारा काम करने में लगे हैं। जब हमें सब बंदों को एक साथ जरूरत पड़ेगी एक साथ आ जाएंगे, नहीं तो अपना काम अंदर रहकर कर रहे हैं। इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन निकाली है, बोल रहे हैं कि ट्रेवर सर आपको पता है एक बंदा फिलहाल अभी वो जैसा मार्टिना को आपने भी ख़त्म किया ना, ऐसे सेम एक बंदा और है, वो भी डेजर्ट की तरफ आपके खिलाफ खबर दे रहा है। वो बंदा भी काफ़ी हाई सीनियर बंदा है, मतलब कि हाई गवर्नमेंट का बंदा है, उसकी काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है। तो एक काम कीजिए ट्रेवर सर, उसको भी शांत कीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे बंदे जब तक खड़े होते रहेंगे ये ही आपका उल्टा काम करेंगे, क्योंकि बंदे अभी भी आपसे नहीं डर रहे। आपने इतने ज़्यादा काम कर लिया, आपने पूरी आर्मी बुला ली, बंदों के मन में डर ही नहीं है भाई, सच्ची बात तो ये डर ही नहीं है। मैंने मार्टिन को मारा तब भी इन बंदों को रुक जाना चाहिए था, अब मार्टिन के मरते ही दूसरा बंदा भी इंटरव्यू दे रहा है कि ट्रेवर को ख़त्म कर देंगे, मार्टिन का मतलब वो लेगा नहीं, तो भाई इनको उल्टा सीधा बोलने के बजाय ये बोलना चाहिए था कि ट्रेवर सॉरी गलती हो गई है, बात यहीं पर ख़त्म हो जाती, बट नहीं भाई बंदे अभी भी नहीं डर रहे। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, निकलता हूँ भाई, चलिए उस बंदे का भी नेता बनाता हूँ। जगह पर मैं पहुँच चुका हूँ, तो मेरे को एक छोटा सा आइडिया आ रहा है भाई, देखो सामने बहुत अच्छे से बंदे स्पीच देने में लग रहा है मेरे खिलाफ। आइडिया ये आ रहा है कि मेरी जो आर्मी आई है भाई, चलो उसको टेस्टिंग करते हैं, फ़ोन करता हूँ अपने सही बंदों को, भाई ये बहुत तुमने रेस्ट ले लिया, मेरी करंट लोकेशन है, मेरे को ट्रैक करके फटाफट से पहुँचो और हेलीकॉप्टर भी लेकर के आना, मेरे को उसकी ज़रूरत है। बाकी बंदे गाड़ी में आ जाओ, कुछ बंदे हेलीकॉप्टर में आ जाओ, क्योंकि मैं हेलीकॉप्टर से बंदों को मारने वाला हूँ, क्योंकि उन्होंने इतनी तारीफ करी थी ना अपने बंदों की, तो जरिया चलिए भाई अपनी नई आर्मी को टेस्ट कर लेते हैं। मेरे प्यारे बंदे भाई आ गए मेरे पास, जैसे कि आप देख रहे हो प्लेन वाला बंदा आकर के रखा है, बाकी और बंदा भी आकर के रखा है, और सीधा आते भाई लगता है जंग बच गई यहाँ पे, तो खत्म करो मेरे प्यारे प्यारे भाई, सभी को नेता बना दो। ओके भाई, अरे रे 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 रे, अबे मेरे को तो ले लेते। फिलहाल टैंक वाला भी अपना बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, सारे सारे बंदे बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, और भाई फिलहाल मेरी सारी सारी स्क्वाड मरती जा रही है, जिसके आप साइड में पढ़ भी सकते हो, इसका नाम ब्लू था। हर एक गैंग को मतलब अलग अलग नाम दे करके रखा है, आप लोग साइड में उनका नाम बार बार पढ़ सकते हो। फिलहाल मेरे कुछ बंदे मारे गए हैं, ओके कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, सभी चीज़ों को हम लोग संभाल लेंगे। ये नाम मैंने नहीं दिए भाई, ये नाम अपने मतलब इन बंदों को ऑलरेडी पहले से ही है, ये मेरे को बताया था कि भाई इनके अलग अलग स्क्वाड है, सारे बंदे अपने टीम में चलते हैं और हर एक बंदे का अलग नाम है, मतलब हेलीकॉप्टर वाले बंदों का अलग नाम है, टैंक वाले बंदों का अलग नाम है, ये सारे सारे बंदे नाम के हिसाब से हैं, कोई ब्लू है, कोई वॉयलेट है, कोई ग्रीन है, कोई वाइट स्क्वाड है, ऐसे करके इन्होंने अपने नाम बांट करके रखे हैं। ये मेरे को थॉमस ने बोला था, मैंने बोला यार बड़ा अजीब नाम है, ये बोल रहा है कि यार ट्रेवर ये जो अपने खतरनाक बंदे होते हैं ना स्किल्स वाले आर्मी टाइप के बंदे, ये अपने स्क्वाड के ऐसे नाम रखते हैं। मैंने बोला भाई ठीक है चल कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं इनके नाम से। तो भाई फिलहाल लगता है सही बंदों का नेता बना दिया हमारे भाइयों ने, हेलीकॉप्टर वाले बंदे ने, प्लेन वाले बंदे ने, इनके नाम में अगर चलो देखो फ्यूचर में चेंज करूंगा तो बदल लूंगा, मतलब कि ट्रेवर वाली स्क्वाड का कुछ नाम मैं रख लूंगा, बट ये भी वैसे काम बन जाएगा, ब्लू वाइट वगैरह। ओके भाई क्या हाल चाल है। तो फिलहाल चलिए भाई बंदों ने प्लेन को अपना हेलीकॉप्टर को लैंड कर दिया, सारे बंदों का दी एंड हो चुका है परफेक्ट तरीके से, मज़ा आ गया भाई मज़ा आ गया। स्पीच दे रहा था, देने दो स्पीच, देने दो, बना देने देता तो परफेक्ट भाई, परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू भाई काम करने के लिए। भाई देखो कोई बात नहीं भाई, काम हो जाता है, कभी कभी बंदे मर भी जाते हैं, आ जाएंगे बंदे और आ जाएंगे। देखो स्किल्स होने का मतलब ये नहीं है कि भाई बंदे गोली नहीं लगेगी, अगर गोली लगेगी तो बंदा वो भी तो मरेगा ना, बट फिर भी इन्होंने इतने सारे बंदों को नेता बना डाला आराम से। आप देख रहे हो मैंने कुछ नहीं किया पहली बार, मैं सिर्फ खड़ा था, मारा किसने, इन्होंने अमेजिंग तरीके से परफेक्ट भाई परफेक्ट, सबका नेता बना दिया, बढ़िया मेरे भाई, बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया। एक काम कर दो, चलो अभी फटाफट से तुम यहाँ से निकलो, अभी जरा अगर तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें ज़रूर बुलाऊंगा, मेरे को लगता है भाई इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है, मज़ा आएगा भाई। अब की बार तो मुझे लगता है भाई बहुत बंदे मरेंगे, अपना जो फेम और शेम भाई आपको पता है ना, वहीं पर पुलिस वाले बंदे और वहीं पर
बहुत सारे गैंग वाले बंदे मिलकर के प्लान बना रहे मेरे को खत्म करने का। तो चलिए भाई जरा मजा सा लेते हैं जाकर के वहीं पर। वहां पर अब मैं भी हेलीकॉप्टर बैठ करके बंदों को मारूंगा, मजा आएगा। वहां पर बताया जा रहा है भाई 150 से 200 बंदे हैं। चलिए निकलता हूँ। अगर मैंने वहां पे जाकर के उनको नहीं मारा ना तो बंदे भाई मेरे को मार डालेंगे बहुत बुरी तरीके से। अपना सेल्फ मतलब कि इसको अब आप सेल्फ डिफेंस बोलो कुछ ही बोलो, बट मारना मेरे को पड़ेगा। ओके भाई चाचा तो हेलीकॉप्टर ले और निकल, मैं तो गाड़ी में ही आता हूँ, तुम लोग चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो। फटाफट से पहुंचते भाई जगह पर और जाकर फेम और शीम में बंदों को नेता बनाते हैं। फिलहाल भाई हम लोग जगह पर पहुंच चुके हैं, फेम और शीम जो है सामने की तरफ ही है। तो मैं सोच रहा हूँ गाड़ी से नहीं जाता, मैं प्यारे हेलीकॉप्टर वाले बंदे को बोलता हूँ चल भाई मेरे को वहीं पर लेकर के चल, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा और बंदों को मारूंगा। गाड़ी से बैठ के क्या बंदों को मारूं? तो मेरा प्यार हेलीकॉप्टर वाला बंदा एक काम कर चाचा ऊपर से रस्सी डाल, चलिए इसको फोन करके बोलता हूँ कि तू एक काम कर मेरे को ऊपर खींच, जल्दी से नीचे लैंड करा इसको, फिर ऊपर से रस्सी फेंक और मेरे को लेकर के चल, मैं बनाऊंगा बंदों का नेता। मैंने बंदे को भाई फोन करके बोल दिया था, मेरा प्यारा भाई बोल रहा है ओके ड्राइवर सर एक सेकंड आप नीचे रहिए, मैं आपको रस्सी डालता हूँ और ऊपर खींचता हूँ फटाफट से। तो ठीक है भाई मेरा प्यारा बंदा मेरे पास रस्सी फेंकने वाला है फटाफट से। ओके आ जा भाई आ जा जल्दी से, कहाँ पर रहेगा नमूना। ओके ठीक है भाई इसको एक सेकंड मतलब बैलेंस बनाने दो, बेचारे को बैलेंस बना रहा होगा। सीधी सी बात है, अब देखो ये जो एरिया है ना यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ भाड़ है। ओके शायद से इसने भाई देखो मेरे ऊपर आ गया अपने हेलीकॉप्टर को लेकर के, अभी फटाफट से रस्सी यहाँ पर डालेगा और फटाफट से मेरे को लेकर के ऊपर की तरफ खींच लेगा। आ जा चाचा जल्दी से लेट मत कर। तो ठीक है भाई अब देखो बंदे इतने सारे हैं, वहाँ पे जा करके बजाने में मजा आएगा बहुत 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 ज्यादा। फाइनली मेरे प्यारे भाई ने भाई रस्सी फेंकी और मैं आराम से हेलीकॉप्टर में आकर के बैठ चुका हूँ। ओके बहुत ही बड़े। तो मेरे प्यारे भाई देखो नीचे वाले जो बंदे वो आराम से आते रहेंगे, अभी सामने है भाई फेम और शेम। चल भाई पीछे की तरफ ले ले फटाफट से और जल्दी से जाकर के बनाते हैं बंदों का नेता। चल चल जल्दी से। अपने प्यारे प्यारे भाई ने भाई हेलीकॉप्टर को लेना शुरू कर दिया है, अब आएगा मजा। आराम से काम करना और देखना हेलीकॉप्टर में मतलब कोई दिक्कत ना होने पाए। भाई साहब कभी तुम्हारे फट जाए बता देना मेरे को, कमजोर हुआ तो मैं कूद जाऊंगा, नहीं तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। चाचा थोड़ा ब्रेक लगा यार, तूने ज्यादा आगे ले लिया, पीछे लेना था, चले एक काम कर थोड़ा और पीछे ले ले। फाइनली भाई हमारे प्यारे भाई ने जगह पर मेन ले लिया है, अब आएगा असली मजा। हेलीकॉप्टर को सिर्फ सेम इसी पोजिशन में रखना, मैं बनाता हूँ बंदों को नेता। लेफ्ट बैठे एक काम कर थोड़ा सा घुमा इसको, थोड़ा सा घुमा पुलिस वाले प्यारे प्यारे भाइयों। ओके एक सेकंड आराम से ड्राइवर आराम से भाई, हेलीकॉप्टर काफी बैलेंस खराब हुआ, आराम से चला इसको आराम से चला। अरे अरे भाई कर कर मैं टैंक वाले बंदो बाकी बंदो आ गए खत्म करो इसको भाई, तू आराम से उड़ा हेलीकॉप्टर का, तू ना बैलेंस खराब करवा दे ड्राइवर का, बना ड्राइवर तेरा हेलीकॉप्टर का नेता बना। भाई मिनी गन ठीक से काम नहीं कर रही ड्राइवर भाई, फिर कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, मेरी बाकी आर्मी आकर के भाई देख लेगी सभी को, मारो मारो टैंक वालों फटाफट से मारो इन सभी को, बहुत सारे बंदे ये ले बेटे खत्म कर दूंगा। एक काम कर थोड़ा हेलीकॉप्टर को पास में ले, बंदों के पास में ले, बना इनको नहीं तो जाकर के फटाफट से, इतना नीचे मत उड़ा मेरा बैलेंस नहीं बन पा रहा बिल्कुल भी यार। वैसे मेरे सोचे थे हेलीकॉप्टर से बंदों को खत्म करने मजा बहुत सारा आने वाला है, बट मेरे को लगता है थोड़ा सा बैलेंस कुछ ज्यादा खराब हो रहा है भाई। हेलीकॉप्टर का इसने झूला बना दिया बंदे ने, बट गलती यार इसकी नहीं है, गोली बहुत ज्यादा पड़ रही है नीचे से, ये मेरे को बचाने की कोशिश कर रहा है इसलिए थोड़ा शेक कर रहा है हेलीकॉप्टर को। आराम से ब्रो आराम से, चलते एक काम कर मैं उतर रहा हूँ तो आराम से हेलीकॉप्टर इसको बैलेंस बना। इसका बैलेंस कुछ ज्यादा खराब हो गया भाई बंदे का, कुछ ज्यादा खराब हो गया। ओके ब्रो आराम से, कमाल के बंदे। अबे तुम डरते नहीं हो पागलों पे, ऐसे कूद के ऊपर से भाई, स्किल्स तो है मान तो, हेलीकॉप्टर था अजीब सा उड़ाया इन्होंने, बट चलते हुए हेलीकॉप्टर से कूद गए बंदे यार, ऐसा मैंने आज तक कभी नहीं देखा बिना कोई गार्ड। अगर जो हेलीकॉप्टर बैठ रहता था बंदा उसी में बैठ रहता है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, पहली बार देखा मैंने कोई चलते हुए हेलीकॉप्टर से कूद गया सच्ची में यार, इसका मतलब दम है बंदा, बहुत ज्यादा डरते नहीं बिल्कुल भी। ये लेफ्ट बैठे कहाँ है मेरे प्यारे प्यारे गार्ड्स, खत्म कर मार मार सभी को, आ जाओ टैंक को लेकर के अंदर की तरफ, मारो इनको प्लेन वाले भाई तू भी मार मार मार। ओके भाई मेरा प्लेन वाला बंदा खत्म कर देगा सभी को। वैसे यार अच्छा हो मैंने मतलब कि अच्छा हो मैंने भाई स्क्वाड वगैरह मंगाई है, अच्छी है ना भाई, बताना जरूर कमेंट करके आपको मेरी नई आर्मी कैसी लगी। प्लेन से अटैक कर रहे हैं मेरे बंदे, टैंक लेकर के आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर से मेरे को लेकर के जाते हैं रस्सी से, मतलब चाहे कुछ भी कर सकते हैं भाई। ये रस्सी से मान लो अगर मेरी गाड़ी खराब हो गई, मेरी गाड़ी को बांध के लेकर के चले जाते हैं, मतलब इनमें सारे स्किल्स है। मैंने जब इस बात सुनी थी ना तो मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा था। ओके टैंक फंस गया, एक सेकंड रुक जा रुक जा, मैं तेरे टैंक को छुड़ाता हूँ फिर तू भी अंदर की तरफ जाना। एक सेकंड कहाँ पर फंस गया नमूना, एक सेकंड भाई एक सेकंड, अरे टैंक सच्ची बड़ा परेशान करता है। अरे रे रे गाड़ी के नीचे फंस गया ब्रो, तुझे आराम से। अरे भाई अपनी वॉयलेट स्क्वाड यार मर चुके हैं, वॉयलेट वाली कौन सी थी मेरे को तो ये पता नहीं, पता कौन सी वाली थी, येलो वाली स्क्वाड भी मेरी मर चुकी है। ओके ओके कोई दिक्कत नहीं है भाई, बाद में मंगा लूंगा बंदों को। येलो वाली भाई मेरी हेलीकॉप्टर वाली स्क्वाड थी जिसमें मैं बैठ करके जा रहा था, उसका नाम येलो था भाई, येलो हेलीकॉप्टर वाली होती है। तो हेलीकॉप्टर वाले बंदे मेरे मारे गए हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इनको दोबारा बुला लूंगा मैं, दोबारा बुला लूंगा। मेरा प्लेन वाला बंदा है जो व्हाइट स्क्वाड आप देख रहे होंगे मैप में, व्हाइट वाला बंदा है वो, तो वो तो अभी ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हेलीकॉप्टर फिलहाल कोई बैठा नहीं है बट कोई दिक्कत नहीं है। ये लेफ्ट बैठे इतना मारूंगा, कहाँ है बुला अपने पुलिस वाले बंदों को, पुलिस वालों को तो खैर मैंने भाई सभी को खत्म कर दिया था बाहर की तरफ ही, वो तो सारे सारे बंदे मर चुके हैं। चलिए यार कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से अपनी स्क्वाड को फोन करता हूँ हेलीकॉप्टर वाले बंदे को। ओके फाइनली टैंक आ चुका है,
अब आएगा मजा भाई। ये बेचारा गाड़ी के नीचे फंस गया था, मतलब गाड़ी इसके नीचे फंस गई थी, गलती इसकी नहीं थी कुछ भी, आ गया। बट ये फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं बचा, तब का नेता बना दिया। अब फाइट भाई शुरू हो चुकी है। तो मेरी कितनी स्क्वाड भाई जिंदा बची हुई है, एक तो ग्रीन के बंदे बचे हुए हैं कुछ, एक व्हाइट के बचे हुए हैं, ब्लू के बचे हुए हैं। तो मेरे को भाई चलिए बाकी स्क्वाड को बुलाना पड़ेगा। एक काम करता हूँ भाई, अपने येलो वाले स्क्वाड वाले बंदे को फिर से बुलाता हूँ, हेलीकॉप्टर वाले बंदे को, फिर को ऐसे लेकर के जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ काम खत्म हो चुका है। कहीं और पर अगर कोई और बंदे को मारना है तो वहाँ पर जाकर के मारेंगे, फिलहाल यहाँ काम खत्म हो चुका है। ओके मेरे अपने टैंक वाले बंदे और प्लेन वाले बंदे तुम लोग आते रहना, मैं जरा फोन करके निकलता हूँ, ठीक है। येलो स्क्वाड को भाई मैंने फोन कर दिया था, थोड़ी देर में बंदे वापस से दोबारा से हेलीकॉप्टर लेकर के आ गए। मैंने बोला था भाई अलग अलग सभी बंदों का चीज बटी हुई है, येलो वाले बंदे हैं हेलीकॉप्टर चलाने वाले, व्हाइट वाले प्लेन वाले बंदे हैं, बाकी सभी बंदों को धीरे धीरे याद कर लो कौन से बंदे कौन से चीज चलाते हैं। एक काम करो भाई दोबारा से रस्सी डाल मेरे को ऊपर खींचो और मेरे को गाड़ी के पास छोड़ दे, फिर उसके बाद देखता, ठीक है। बंदे को मैंने बोल दिया भाई बंदा दौड़ने में रस्सी फेंक देगा ऊपर से और मेरे को ऊपर की तरफ खींच लेगा। कहाँ रहेगा चाचा, जल्दी कर यार, लेट मत करो। ओके भाई रस्सी दिखे, मतलब मेरे को दिखी नहीं, पिछले बेचारे ने पहले फेंक दी थी। ओके ठीक है भाई मेरे को ऊपर ले ले जल्दी से। ओके ठीक है भाई, से मेरे को ऊपर खींचना शुरू कर दिया है, फाइनली मैं आकर के बैठ चुको। अमेजिंग ब्रो, चल एक काम कर मेरी गाड़ी के पास ले ले जल्दी से। बंदे ने हेलीकॉप्टर को भाई लेना शुरू कर दिया है ना भाई, देखो समझदार। अभी आपको काफी अच्छा लग भी रहा होगा भाई देखने में, मतलब पहले से ज्यादा इंप्रूवमेंट है भाई अभी, मतलब मैंने काफी अच्छा वो बंदों को मंगाया है भाई। इससे क्या हो रहा है, गेम को देख रहे हो मजा आ रहा है, क्योंकि ना गार्ड्स नहीं थे तो मजा नहीं आता था। अब मेरे प्यार प्यार गार्ड बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। ओ मेरे प्यार चाचा, उधर है गाड़ी, देख उधर देख। मैंने भाई फिलहाल इसको सारी बातें समझा दी है कि ठीक है मैं तो गाड़ी से यहाँ से निकल जाऊंगा, बाकी तुम बंदे अपना देखते रहना, ठीक है। ट्रेवर ब्रो निकलो यहाँ से। ओके भाई हेलीकॉप्टर वाले ब्रो थैंक यू लिफ्ट के लिए, मरा बेटे मरा ट्रेवर, कितनी घटिया लैंडिंग हुई है। चलो ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पुलिस वालों को नहीं बना था, हम लोगों ने फाइनल बना दिया। मेरी स्क्वाड्स को मैं सभी को फोन करके बोलता हूँ, तुम लोग सभी घर पर निकल जाओ, जब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी मैं तुमको फोन करके दोबारा बुलाऊंगा। यहाँ पे फिलहाल यहाँ काम खत्म हो चुका है, जहाँ पे इनकी जरूरत पड़ेगी वहाँ पे मैं इनको बुला लूंगा। मतलब कि मैंने आपको बोला हर जगह लेकर घूमने से कोई फायदा नहीं है, जब इनकी जरूरत होती है तब इनको बुलाया करेंगे। तो अब आगे से भाई और भी बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि अब मैं अकेला नहीं हूँ, अब मेरे पास प्रोफेशनल बंदों की टीम है। ये एक तरीके से भाई आप जेड प्लस से भी प्लस वाले बंदे बोल सकते हो। इनकी स्किल्स अभी आपको ऐसी लग रही होगी, कमजोर लग रही होगी, बट धीरे धीरे जब आप इनकी भाई पूरी चीज़ों को देखोगे ना कि क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। बताना जरूर भाई आपको मेरी नई वाली आर्मी कैसी लगी, अच्छी है ना भाई। ये मेरी पर्सनल है, ये कोई ऐसी नहीं कि भाई किसी KGF की आर्मी ये वो है, ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरे पर्सनल गार्ड्स है। तो बताना भाई आपको ये सारे कैसे लगे। स्पेशली मेरे को हेलीकॉप्टर वाला बंदा बहुत अच्छा लगा, और अभी तो मैंने आपको प्लेन वाले बंदे की स्किल्स दिखाई नहीं है, हर एक बंदे में अपनी अलग अलग स्किल्स है। फिलहाल भाई मेरे पास फोन आया अपने प्यारे भाइयों का, मतलब कि दूसरे बंदों का, ये नहीं मेरे गैंग वाले बंदों का, नहीं स्क्वाड वाले बंदों का फोन नहीं आया, फिलहाल ये मेरे दूसरे बंदे हैं, कोई गैंग वाले बंदे जो मुझसे मिलना चाहते हैं आज, मतलब रात के 9 बज चुके हैं, 9 बजे मुझसे मिलना चाह रहे हैं। मैंने बोला ठीक है भाई आ रहा हूँ, टेंशन मतलब थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा, ठीक है पहुंच तो जाकर के उनसे मिलता हूँ, देखते बंदे क्या बोलेंगे। और मैंने अपने सभी स्क्वाड वाले बंदों को बोल दिया कि भाई तुम एक काम करो घर पर दोबारा पहुंचो, मतलब कि तुम अपने वेयर हाउस में पहुंचो, जहाँ पर तुमको अपने पानी वानी पियो रेस्ट लो, जब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी मैं दोबारा बुलाऊंगा। हर एक बंदे को मैंने भेज दिया भाई, प्लेन वाले को हेलीकॉप्टर वाले को टैंक वाले को सभी को भेज दिया है। टोटल भाई 6 स्क्वाड है मेरे पास है, मैं आपको फिलहाल बता दूं इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे पास अनलिमिटेड है, 6 हैं और 6 में सारी स्किल्स है, गाड़ी चलाने वाले, प्लेन चलाने वाले, टैंक चलाने वाले, बोट चलाने वाले, अलग अलग बंदा अलग अलग चीज़ें चलाता है, टोटल यही व्हीकल्स होते हैं भाई और सारे वो कवर कर रहे हैं, तो सही रहेगा। पहुंच चुका हूँ मैं बंदों से मिलने के लिए भाई जगह पर, तो यहाँ पर बंदर ने मेरे को बुलाया। अब देखते हैं बंदे में लड़ेंगे तो मैं खत्म कर दूंगा बंदों को, नहीं लड़ेंगे तो इनकी किस्मत अच्छी है। हेलो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, क्या हाल चाल है, ठीक तो हो ना तुम सभी के सही बंदे? तो ठीक है भाई चलिए मैं ऊपर की तरफ निकलता हूँ जरा। चाचा जी क्या हाल चाल है? ओके तो ये है, वाह इसका ही शक्ल देखनी बाकी रह गई थी। वैसे एक बात बताऊं, हसमुख चाचा मेरे लकी है भाई, जब तक मैं इस बच्चे की शक्ल देखता हूँ मेरा बड़ा फायदा होता है। हेलो ताता दी ठीक हो ना, बताइए क्यों बुलाया आपने यहाँ पर मुझे? चाचा मुझे बोलता है ट्रेवर सर प्लीज मेरी जान बचा दीजिए और मुझे कुछ मत कीजिएगा, तो ट्रेवर सर प्लीज मैं आपका हमेशा एहसान मंद रहूँगा वगैरह वगैरह। तो मैंने बोला भाई अच्छा बोल क्या चाहिए तेरे को मेरे प्यारे भाई? तो मेरे बंदा मेरे को बोलता है ट्रेवर सर बस आप मेरे को प्रोमिस कीजिए कि आप अटैक मत कीजिएगा, मैं आपके बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूँ। इसने मुझे बोला है कि कल सुबह मेरे गोल्डन वाले घर पर बंदे कब्जा करेंगे और बहुत सारे बंदे वहाँ पर रहना शुरू कर देंगे और उस घर को वो हमेशा नहीं छोड़ेंगे, मतलब कि वो बंदे वही आर्मी वाले बंदे ग्रीन वेगोस बालाओ सारे बंदे ने वहाँ पर कब्जा कर लिया। आर्मी ने उनको बोला कि ट्रेवर घर पर रहना शुरू करो और उसको खत्म कर देना और वहाँ का सारा सोना निकाल लेना। आपको बता मेरा घर सोने का है, तो कल से वो बंदे वहाँ पर रहना शुरू करेंगे और कल से मेरे घर का सोना निकालेंगे सारा का सारा। सही है यार सही है, अमेजिंग इन्फॉर्मेशन इसे मेरे को दी है कि ट्रेवर सर देखो मैंने आपकी हेल्प कर दी मेरे को छोड़ देना। चल ठीक है चाचा देखते थे इन्फॉर्मेशन कितना था मैं तो बंदे कल सुबह भाई शिफ्ट होंगे वहाँ पे सारे बंदे, तो ठीक है इसके अंदर रात मेरे पास मैं आराम से सो सकता हूँ। चलिए घर पर निकलता हूँ सोता हूँ और सुबह फिर अपने बंदों के साथ निकलूंगा दोबारा से स्क्वाड के साथ में हेलीकॉप्टर वाले के साथ प्लेन वाले के साथ में। सुबह का वक्त भाई हो चुका है, मैं आराम से अपने बंकर से आ चुका हूँ। फिलहाल मेरे हैकर्स बोल रहे हैं हम यहाँ पर केयर करेंगे आप टेंशन मत लो,
मैंने अपने सभी स्क्वाड्स को फोन कर दिया, छह के छह बंदे, मतलब के छह के छह स्क्वाड आने वाली है, बंदे छह नहीं है भाई, बंदे तो काफी है बट उनकी टीम अलग अलग है। तो पॉइंट क्या है, वो छह की छह टीम निकल चुकी है, हेलीकॉप्टर वाला भी सारे बंदे आल रे एक बंदे, तो मैं भाई ऊपर की तरफ खड़ा हो जाता हूँ, मेरा बंदा आएगा मेरे को रस्सी फेंक करके लेकर के निकलेगा और सीधा निकलते हैं फिर घर पर, आराम से बनाऊंगा बंदों का नेता भाई साहब, अब नहीं छोड़ूंगा, मेरे घर पे कब्जा करके सोना चुराने के लिए आने वाले हैं। मेरी पूरी की पूरी टीम भाई आराम से यहाँ पर आ चुकी है, एक हेलीकॉप्टर इधर है एक ऊपर है, चलिए येलो वाले बंदे को बोलता हूँ भाई वो ज्यादा अच्छा हेलीकॉप्टर है, उसके पास ज्यादा चीजें हैं, मेरे को फटाफट से रस्सी डाल के भाई नीचे ले ले, मतलब ऊपर की तरफ ले ले। मैंने बंदे को रस्सी डालने के लिए बोल दिया, चलिए भाई फटाफट से रस्सी डाल देगा नीचे की तरफ आ करके भाई अपना नॉर्मल, पहले हाइट कम करता है उसके बाद ही रस्सी डालता है। चलिए किधर डाली है, डाल भाई ब्रो डाल, अरे क्या कर रहे हो भाई, ये बॉम्ब वॉम किसने फोड़ दिया, क्या बदतमीजी चल रही है, आराम से बदतमीजी मत करो, बदतमीजी मत करो, बस पे टक्कर मारेगा क्या मुझे। तो मेरे प्यारे हेलीकॉप्टर भाई जी कहाँ पर उड़ रहा है, नमूनों का सरदार चेक करता हूँ भाई, फिलहाल मेरे को दिख नहीं रहा है बंदा, क्योंकि ऊपर दो हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं इसलिए कंफ्यूज हो रहा है थोड़ा थोड़ा सा, मैंने देख लिया मैंने देख लिया। फाइनली बंदे ने भाई रस्सी फेंकी, जब हेलीकॉप्टर हटा तो मेरे को इसने ऊपर लेना शुरू कर दिया है। चलिए फिलहाल ओके भाई फटाफट से मेरे घर की तरफ ले लो, सभी को इंस्ट्रक्शन भेजता हूँ, घर की तरफ निकलते हैं, बनाएंगे सभी का नेता। फिलहाल सभी बंदों को इंस्ट्रक्शन पहुंच गई है, चलिए भाई सभी के सही बंदे निकल पड़े घर पे जाने के लिए, अब आएगा असली मजा। थोड़ा टाइम लगने वाला है, देखो भाई मेरा घर थोड़ा दूर है बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से पहुंच जाएंगे, देखो भाई हम तो उड़ के जल्दी पहुंच जाएंगे, बाकी टैंक वाले बंदे गाड़ी वाले बंदे देखो उनका आने में थोड़ा टाइम लगने वाला है भाई, सीधी सी बात है देखो यार वो बेचारे गाड़ी वाले बंदे हैं और सीधा बात है यार उड़ के थोड़ा तेज स्पीड से बंदा पहुंचता है तो हम तो पहुंच जाएंगे बट वो बंदा थोड़ा लेट आएंगे, कोई बात नहीं जब तक हम जाकर के धमाल करना शुरू करते हैं। करता हूँ सीधा बंदों को, यार इतनी हिम्मत तो देखो, मतलब मेरे घर पर आएंगे बंदे इतना दम मेरा सोना चुराने के लिए, अब देखते हो हसमुख की इन्फॉर्मेशन में कितना दम है। पहुंच गए भाई अपने प्यारे से घर पर, मेरा प्यारा प्यारा होम स्वीट होम मेरे को दिखना शुरू हो चुका है। चलिए भाई बंदे भी दिख गए मेरे को, तो ड्राइवर उड़ा दे बहुत बढ़िया, रोक इसको यहीं पर रोक, ये बहुत अच्छा एरिया, आराम से बस यहीं पर रोक दे, घुमा इसको, हेलीकॉप्टर को घुमा जल्दी से। ओके भाई बहुत ज्यादा बंदे, वैसे एक बात, हेलीकॉप्टर में बैठ तो गया बट भाई यहाँ से ना बंदों को मारना थोड़ा मुश्किल पड़ता है सच्ची में, क्योंकि आप देख रहे हो नीचे ऐसे नहीं होती, इधर उधर हो जाती है, अजीब है बहुत ज्यादा सिस्टम। ये ले बेटे खड़ा हुआ है ऊपर मेरी छत पर खड़ा होगा, इतना दम आ गया तुझमें, इतना दम आ गया, इस काम करता हूँ इसको बोलता हूँ यहाँ पे राउंड लगा। बंदे भाई मुझे लगता है घर के अंदर घुस गए हैं, बंदे मेरे को बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे, यहाँ पर बंदे बिल्कुल नहीं है, तो एक काम करता हूँ मेरे को हेलीकॉप्टर से नीचे उतरना पड़ेगा। मेरे प्यारे हेलीकॉप्टर वाले बंदे तो एक काम करिए, नजर रखना मैं जरा नीचे उतरता हूँ, बाकी मेरी जो स्क्वाड्स है वो पहुंच जाएगी, सारा का सारा काम आराम से हम लोग कर लेंगे। मेरे घर पे देखो भाई टेंट वगैरह लगा करके रखे हुए हैं, लो भाई अब प्योर फिर से घटिया लैंडिंग, अमेजिंग। तो चलिए मैं देखता हूँ इनके नमूनों को, मेरे घर पर घुसेंगे, इनको पता नहीं है ड्राइवर कितना खतरनाक होकर के रखा आज की डेट में, अच्छी में यार बंदे आते हैं उठा करके, मतलब वैसे मैंने सबको ही मार दिया भाई, बंदे मैंने छोड़े नहीं है, इसका मतलब वो मतलब कि गन अपने काम करी थी, ऐसा लगता है दूर से चलती है तो इतना कुछ ज़्यादा असर नहीं करती बट भाई असर वो करती है, देखो सारे बंदे मार दिए मैंने, अमेजिंग, बढ़िया, मर गए नमूनो, सारा सारा काम हो गया मेरे हेलीकॉप्टर वाले बंदे ने और मैंने सारा सारा काम कर लिया, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ फिलहाल भाई बहुत ही बढ़िया। ओके यहाँ पर भी मेरे प्यारे हेलीकॉप्टर वाले बंदे ने भाई नेता बना करके रखा है, मेरे बिना भी अटैक करते हैं भाई, वो ऐसा नहीं कि मैं जब तक नहीं बोलूंगा अटैक नहीं करेंगे, ना ऐसा कुछ नहीं है, वो अटैक करते रहते हैं जब उनको लगता है कि भाई खतरा है यहाँ पर वगैरह वगैरह, सारा काम वो करते रहते हैं। तो ठीक है भाई चलिए देखते हैं कोई और बंदा यहाँ पे छुप करके रखा है, ओके ये रहा बंदा, लो भाई मेरे मारने से पहले हेलीकॉप्टर वाले ने इसको ऊपर से ही मार दिया, बढ़िया भाई बढ़िया, अमेजिंग काम कर रहा है। ये ले बेटे शर्म नहीं आती क्या, ऊपर से दिखता नहीं तेरे को हेलीकॉप्टर वाला घूमता फिर रहा है, बस पे नमूने मेरे को मत मार देना। तो ठीक है भाई फिलहाल चलिए, ये बंदे ने इसको सारे बंदे को संभाल लिया है, मेरी बाकी स्क्वाड्स को आने में देखो बहुत टाइम लगने वाला है और भाई लगता भी ऐसी सी बात है इनसे, इसका मतलब मेरे को उनको पहले यहाँ पर भेजना चाहिए था। वैसे व्हाइट वाली स्क्वाड भाई जल्दी पहुंचने वाली है, जैसे कि आप देख रहे हो पास में आ गया नमूना, क्योंकि तो प्लेन से है ना व्हाइट वाला बंदा, तो वो जल्दी पहुंच जाएगा लगता है, आसपास ही होगा, चलिए खैर उसको छोड़िए। तो पॉइंट कह रहे कि भाई बात ये है, मैंने अपने घर को खाली कर दिया है, मेरे घर पर जितने बंदे थे मैंने सभी का नेता बना दिया है। मेरे पास भाई मेरे कुछ एफआई मेरे बंदों को फोन आया, अभी भी कुछ बंदे ऐसे हैं भाई जो मेरे लिए काम करते हैं बड़ी ईमानदारी से, तो उन बंदों को मेरे पास फोन आया, तो चलिए मैं फटाफट से उनकी जाकर के बात सुन लेता हूँ। बाकी ने मेरे स्क्वाड वाले बंदों की बात, देखो प्लेन वगैरह भी आ चुके हैं, बाकी और स्क्वाड मेरी पहुंच चुकी है, थोड़ा टाइम लग गया बेचारे को, सीधी सी बात भाई रोड से आए थे बंदे, हम लोग बहुत दूर थे और ये बंदे रोड से आए तो टाइम लग गया, बट फाइनली बंदे पहुंच चुके हैं। तो एक काम करता हूँ भाई, इन्हीं के साथ बैठ कर निकलता हूँ या फिर अपनी गाड़ी ले लेता हूँ जैसा भी है, वैसे मेरे को अपनी गाड़ी की जरूरत ही नहीं पड़ रही, वैसे भाई काफी अच्छा हुआ मैं आर्मी को जो लिया ना, बंदों ने देख रहे हो भाई अच्छा हुआ, तो ऐसे आ गए नहीं तो यहाँ पे भाई गेट बंद करके रखा हुआ है इनका, इनका तो मैं नेता बनाऊंगा। एक सेकंड भाई खुल जा सिम खुल जा सिम बहुत, मैंने बंदे को बुला लिया है भाई, फिलहाल अपने वॉलेट वाले बंदों को मैंने बुलाया है, अब इनके साथ ही मैं जाने वाला हूँ। एक काम कर भाई डॉग साइड पर ले ले, मैं एक काम करता हूँ मार्क लगा लेता हूँ, बंदे कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो, क्योंकि मार्क लगाना सबसे बेस्ट एरिया होता है, मतलब कि बेस्ट तरीका है।
आराम से देख करके लोकेशन को चलते रहेंगे। एक काम करो भाई, वे पॉइंट को चेक कर और चल जल्दी। हमारे प्यारे भाई को मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिए, आराम से चल रहे हैं। बाकी बंदे आराम से अपना काम करते रहेंगे यहाँ पर। जो और कोई बंदे मैंने समझा दिया है भाई, जितने बंदे और भी आते रहेंगे उनको भी खत्म कर देना। मैं जरा निकल रहा हूँ, मगर कुछ एफआई और बंदे से जाना है मिलने के लिए। फिलहाल वैसे टीम का कितना काम आ रहा है भाई, वैसे अच्छा हो, मैंने अलग अलग टाइप के अलग अलग स्क्वाड को बुलाया। प्लेन वाला अपने अलग काम करते रहेंगे, ये अपने अलग काम करते रहेंगे। इससे पता देखो मेरा काम कितना बढ़ गया भाई, और कितना मेरे को मजा आने वाला गेम को और भी खेलने में। मतलब इससे मेरा गेम प्ले और ईजी हो जाएगा। जो पहले मेरे को सारे काम अकेले करने पड़ रहे थे, अब मेरे को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हर एक बंदा अलग अलग काम अपने संभाल रहा है, मेरे को लेकर के भी जा रही है जगह पर, और ऊपर से प्राइवेट सिक्योरिटी भी है। कोई ज़्यादा फालतू बोल के दिखाए ना, नेता बना दिया भाई इन्होंने, मेरे को तो बड़ा अच्छा फील हो रहा है। बाकी रही बात और भाई इंप्रूवमेंट की, वो और मैं देखता हूँ भाई बंदों में और क्या करना चाहिए। मेरे को कुछ और स्क्वाड मंगानी चाहिए और भी, वैसे जरूरत तो नहीं है, बस इनको ही ज़्यादा बुला लिया करूँगा। मतलब कि भाई जैसे मैं अभी एक गाड़ी मंगाता हूँ, दो तीन गाड़ी मंगाता हूँ, फिर मैं आगे से और बंदों को बुलाया करूँगा। ओके भाई, ऑरेंज मेरी स्क्वाड को किसी ने मार गिराया लगता है, बंदे अभी भी आए जा रहे हैं भाई। चलिए खैर जो भी है देख लूंगा मैं। ऑरेंज वाली मेरी गाड़ी वाली थी शायद से, जगह पर मैं पहुंच गया हूँ मैं। हेलो मेरे भाई, तुम लोग जरा यहीं पर रहना, मैं जरा मिल करके आता हूँ। तो सामने एफआई वाले बंदे और कुछ पुलिस वाले बंदे हैं। ये वो बंदे जो मेरे लिए पैसा खा करके मेरे को इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो देखते हैं भाई क्या प्लानिंग पता लगी है, क्योंकि देखो आर्मी का प्लान हमें अभी तक पता नहीं चला। अभी तक हमने छोटे मोटे बंदों को ही मारा है, खुद ही लड़ाई करी है और खुद ही मतलब सारे काम किए, बट अभी तक हमने वैसे कुछ काम नहीं किया। मतलब जैसे आर्मी ने खुला अटैक अभी मेरे ऊपर नहीं किया, मैंने किया अब तक जितने भी अटैक किए। तो देखते हैं भाई क्या होने वाला है, पता लग जाएगा। हेलो भाई जी, ओके वही बंदा है जिससे रात को मिल करके आया था भाई मीटिंग पॉइंट पर, जब हसमुख चाचा भी खड़ा था। मैंने सारी सारी बातें बंदों से कर ली है। बंदे मेरे को बोल रहे हैं ट्रेवर सर अपने बाइकर वाले अड्डे पर निकलिए, वहाँ पर बहुत सारे बंदे जो आपके खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसा है भाई, तो ठीक है ठीक है ठीक है, एक काम करो भाई, मैं जरा दोबारा से एक और मार्ग लगाता हूँ और फटाफट से और गाड़ी को वहाँ पर ले लो जल्दी से, क्योंकि वहाँ पर दंगे चल रहे हैं। हम लोग जगह पर पहुँच चुके हैं। मेरे प्यारे गार्ड ने यहीं पे गोली चलाना शुरू कर दी है। मैं भी चले दो चार गोली चला के बंदों खत्म कर देता हूँ। मेरे को लगता है मेरे को अपनी स्क्वाड को यहाँ पर बुला लेना चाहिए फटाफट से। एक काम करता हूँ, ऑरेंज स्क्वाड को बुला लेता हूँ, वहाँ पर वो मर गई थी ना, तो और कुछ बंदों को बुलाना पड़ेगा। फटाफट से आ जाते हैं, जल्दी बुलाता हूँ भाई टैंक लेकर के। टैंक कैसे में काम बनेगा, ओ भाई साहब इतना दम, अबे नमूने मैंने ध्यान नहीं दिया तूने मेरे को मारा। एक सेकंड भाई फोन करता हूँ अपनी ऑरेंज स्क्वाड को, जल्दी से आओ यहाँ पर। मैंने अपनी ऑरेंज स्क्वाड को बुला लिया है भाई, दो मिनट में पहुंचने वाला है। ओके लो फाइनली पहुंच भी गया, टैंक लेकर के आ जा फटाफट से आ जा, बना इन बंदों का नेता। इतना दम आया इन बंदों में यार, बेटे मार इनको फटाफट से, बना दे इन सभी का नेता। आ जा आ जा, जा घुसा घुसा टैंक मार इनको। सच्ची में यार मतलब बंदे इज्जत से मानते ही नहीं है, इतना मारूंगा। ओके मेरी व्हाइट वाली स्क्वाड, ओके वो तो दूर थी, खैर वो तो भाई मेरे को पता ही है वो दूर थी, वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जितने मेरे बंदे थे वो बिल्कुल ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खत्म करो सही बंदों का। बंदों ने यार बदतमीजी कुछ ज्यादा ही करके रखी है। उड़ा देगा दो मिनट, टैंक वाला बंदा नहीं छोड़ने वाला इनको। इतना मारेगा इनको, ना निहाल दिला डालेगा भाई ये बंदा। ये मैंने पहले बोला है, मतलब बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है और ट्रेन बंदे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कितने बंदों को मार गिरा सकते हैं मेरे को बचाने के लिए। बहुत ज्यादा हाई सिक्योरिटी है। तो आज मेरे को पता चला भाई कि अपना प्यारा प्यारा भाई थॉमस आज तक इतने मतलब मजे में क्यों रहता था। थॉमस भाई सच्ची में इतने ज्यादा एडवांस सिक्योरिटी अपने साथ में लेकर घूमता है, मेरे को तो आज ही पता चला यार। कमाल कर रहा था कमाल कर रहा था। एक काम करता हूँ, मेरे को थोड़ी सी आर्मी की और जरूरत है, थोड़े से बंदों को और बुला लेता हूँ फटाफट से, क्योंकि टैंक वाला बंदा सिर्फ टैंक को ही चलाएगा, वो इसी में बैठा रहेगा, वो बाहर नहीं उतरने वाला बिल्कुल भी, क्योंकि उसका काम वही टैंक चलाना। कभी कभी जब ज्यादा सिचुएशन खराब होती है उतर जाता है, बट भाई वो दो चार बंदे ही होते हैं टैंक के अंदर, ज्यादा बंदे आपको पता है आते नहीं है, तो इसलिए दिक्कत हो सकती है। मैंने ब्लू स्क्वाड को भाई बुला लिया है फटाफट से नीचे की तरफ आकर के, वो सभी बंदों को नेता बनाने वाली है। भर भर के गाड़ियां बंदे आने वाले हैं मिनी गन वाली कार में। और भाई सौ इतना तगड़ा डंडा मारा तूने मुझे, तुझे मैं बनाऊंगा बेटे नेता। एक सेकंड ट्रैफिक हो जा, हाँ जब बनाता हूँ तेरे को। तो फिलहाल ये बंदे यहाँ पे कुछ ना कुछ प्लानिंग बना रहे थे भाई, और आपको पता है लोस्ट वाले बंदे गद्दार एक नंबर के, इनका लीडर तो मैंने पकड़ के रखा हुआ है, इनकी कमर तोड़नी है। आ जा बेटे आ जा, इतना मारूंगा तुम लोगों ने सोचा नहीं होगा ट्रेवर से पंगा लेने का नतीजा। अबे आर्मी का पंगा था, तुम फ्री में आकर के लड़ रहे हो यहाँ पर, लगता है ब्लू स्क्वाड की जरूरत पड़ने वाली है नहीं, मैंने ऑलरेडी पहले सारा काम कर दिया। चलिए ठीक है भाई, सभी बंदों को नहीं तो बना दिया। कुछ और राज की बात होगी तो मेरे बंदे से पूछताछ करेंगे। देखो मेरे पे इतना टाइम है नहीं कि मैं सारे के सारे काम खुद अकेला करूंगा। इसको देखो वो भाई दे, पता है किसमें से है, दुनिया चाहे कुछ भी करे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, हम तो बीड़ी मारेंगे यहाँ पर चाहे कुछ भी हो जाए। लुट्टे मार रहा है यहाँ पीछे, मैंने इतने मर्डर कर दिए इसको भाई, सिगरेट मार रहे तो फुर्सत ही नहीं है। सच्ची में अमेजिंग लेवल काम चल रहे हैं यहाँ पर। चलिए ट्रेवर निकलिए। तो फिलहाल भाई अभी तो और भी लड़ाई होने वाली है, तो सिर्फ शुरुआत है अभी तो। मैंने इतने बंदों को मारा भी नहीं है, कहाँ से आ गए तुम लोग कहाँ से आ गए, टकला फुड़वा करके मारोगे? मानते नहीं भाई बंदे, सच्चे मानते नहीं। आ जाओ बेटे आ जाओ, सो सॉरी ब्रो, अभी कहते ही मेरे यहीं पर टैंक वाले नमूने। आराम से आराम से आराम से, इतना खतरनाक मत मार यहाँ पे बंदों को, पीछे देख बेटा पीछे खड़ा हुआ है। ओके फिलहाल चलिए भाई ये बंदा खत्म हो चुका है, बाकी और कोई बंदा है ना? ये ले बेटे खत्म खत्म खत्म, बहुत बढ़िया, ये भी खत्म हो चुका है भाई ये वाला बंदा। ओके चलो इसकी कोई जरूरत नहीं है, दो चार बंदे जो बचे उनको भी खत्म करके फिर निकलते हैं भाई यहाँ से, और देखते हैं अभी और कहाँ पर अटैक हमें करना है। मतलब कि आर्मी वाले बंदे अटैक करना शुरू कर रहे हैं,
ये अभी तक उन्होंने नहीं करा। यहाँ के सारे बंदों को भाई मेरे बंदे संभाल लेंगे, जो दो चार स्क्वाड यहाँ पर रखी है यहाँ पर सारे काम संभाल लेंगे। मैं दोबारा से भाई अपनी दूर से स्क्वाड को फोन करूंगा। कोड यही है, बंदे बहुत सारे, आप कंफ्यूज मत होना कि भाई अभी तो मतलब एक स्क्वाड मैंने यहाँ पर छोड़ी फिर वो दूसरी जगह पर कैसे आ गई। बंदे बहुत सारे हैं स्क्वाड में, हजारों बंदे हैं, बट स्क्वाड का नाम अलग है। अब जरूरी नहीं कि इस ऑरेंज स्क्वाड मैंने यहाँ पे लगा के रखे तो दूसरी जगह नहीं आ सकती, आ सकती है। कुछ बंदे यहाँ पर काम करें, कुछ वहाँ पर रखेंगे। ऑरेंज स्क्वाड में हजारों से ऊपर बंदे हैं, मैंने आपको बता दिया। स्क्वाड एक ही है, बंदे कई सारे काम करते हैं। मैं चाहे तो पूरे शहर में ऑरेंज स्क्वाड ही घुमा सकता हूँ अलग अलग बंदों को बुला करके। तो इसलिए फिलहाल चलिए मैं अलग जगह पर अलग बुलाऊंगा, यहाँ पर अपने बंदे अलग काम करते रहेंगे फिलहाल, क्योंकि भाई एक जगह पर बहुत सारे बंदों को देखा गया टैंक के साथ में, और आर्मी वाले बंदों ने उनको पर्सनल टैंक दिए हैं ताकि मेरे ऊपर अटैक कर सके। थोड़ी बहुत देर में बंदे निकलने वाले हैं मेरे ऊपर अटैक करने के लिए, इससे पहले वो मेरे ऊपर अटैक करने के लिए निकले मैं जाकर के उनको वहीं पर खत्म कर देता हूँ। मेरे सारे के सारे बंदे भाई पहुंच चुके दोबारा से, मैंने यहाँ पर भी सारे सारे स्क्वाड को बुला लिया है। मेरे भाइयों सामने है दुश्मन, खत्म करो इन सभी को, इतना मारना बहुत ज्यादा। यहाँ पर तसल्ली से टैंक लेकर खड़े हुए हैं, खत्म करो खत्म करो, मेरे सारे बंदे संभाल लेंगे, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो टैंक वाला आ गया, ओ भाई आराम से चलाना भाई, तू मेरी गाड़ी की तरफ मत फोड़ देना इसको फटाफट से। तो ठीक है टैंक वाला सारी सारी चीजें संभाल लेगा, मैं जरा आगे से हट जाता हूँ क्योंकि देखो पीछे मैं खड़ा नहीं होता, राजा हमेशा पीछे खड़ा रहता है और प्रजा आगे लड़ती है, तो इसलिए मैं थोड़ा पीछे रहूंगा और मेरे बंदे आराम से सब कुछ संभाल लेंगे। मैं बीच में नहीं आता भाई, कभी गलती से मेरे को गोली लग गई तो काम खराब हो जाएगा। ओके चाचा जी तो मेरे को सिक्योरिटी देने के लिए आ रहा है क्या? अरे कोई जरूरत नहीं है ब्रो, देखो मेरी गाड़ी में आकर के बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं। तो जाकर के वहाँ पे संभाल ले, ऑरेंज वाली टीम को मार दे गया है। कौन सी थी ऑरेंज वाली टीम? अरे रे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, सबको संभाल लेंगे। मार ब्रो मार, हेलीकॉप्टर वाले नमूने मार, इनको सभी को मार। मेरे को लगता है मेरे को आगे से ना इनके भाई व्हीकल्स ना बुलेट प्रूफ बनवाने पड़ेंगे, इनके भाई ये व्हीकल्स ना बुलेट प्रूफ नहीं शायद से, जो कोई बंदा गोली मारता है वो आराम से बंदा इनको मार डालता है। हाँ भाई यही लग रहा है मेरे को, मुझे लगता है कि व्हीकल्स कमजोर है, बंदों को भाई आराम से मार डाल रहे बंदे। चलिए खैर जो कुछ है मैं देखूंगा बाद में, फिलहाल चलिए ऐसा है जैसा अभी तो काम चला लेते हैं। ओके भाई पीछे से लगता है गोली पड़ रही है, मेरा प्यारा भाई पीछे देख रहा है बंदों को, कोई था क्या पीछे बता दे मेरे को। ओके भाई पीछे जो कोई था इसने सबको संभाल लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल चलिए भाई सभी का नेता बना दिया गया, सिर्फ कुछ ही बंदे बचे हुए टैंक वाले बंदे ने, बाकी बंदों ने देखो भाई बंदे इतने समझदार है गाड़ियों से बाहर आ गए मेरे को सिक्योरिटी देने के लिए कि ड्राइवर भाई को कोई खतरा तो ना हो जाए, नहीं तो ये अपनी गाड़ी में थे बट इन्होंने देखा मैं बाहर हूँ तो मेरे पास आ गए। समझदार है भाई, मैंने देख लिया बंदों में अकल है, सच्ची बहुत ज़्यादा अकल है। टेंशन मत लो यार, सब कुछ काम खत्म हो चुका है। तो ठीक है भाई चलिए, हमने यहाँ के बंदों को मार गिरा जो टैंक लेकर के बैठे हुए थे, तसल्ली से हमसे पंगा ले रहे थे। तो ठीक है चलिए भाई अपने हेलीकॉप्टर वाले बंदे को फोन करता हूँ कि एक काम कर, चलिए यार मेरे को यहाँ से लेकर के निकल, जल्दी से आजा फटाफट से आजा ब्रो, आजा आजा जल्दी से आजा इधर आजा। मैंने अपने हेलीकॉप्टर वाले बंदे को भी बुला लिया है, रस्सी डाल के मेरे को यहाँ से लेकर के निकलेगा। मान तो गाड़ी मेरी यहीं पर है, मेरे गार्ड्स लेकर के आ जाएंगे क्योंकि मैं भी थोड़ा फास्ट ट्रेवल करना चाहता हूँ यार। देखो मैं मतलब हेलीकॉप्टर से घूमूंगा जाकर के, रस्सी डाल भाई फटाफट से लेट बककर, बाकी तुम लोग एक काम करो पहुंच जाओ अपनी गाड़ियाँ वगैरह दोबारा से लेकर के, ठीक है? मेरे को जरूरी जाना है जगह पर, मैं मिल नहीं पाऊंगा क्योंकि भाई देखो मेरे को क्या पता अभी कितनी जगह पर अटैक करना पड़ेगा। मेरे पास दरअसल केजीएफ का फोन आया है, मेरे को भाई रस्सी दिख रही है, किधर डाली इस बंदे ने रस्सी? फाइनली मैं ऊपर की तरफ पहुंच चुका हूँ, रस्सी से डाल दी थी। चलिए इसको इंस्ट्रक्शन देता हूँ, हम लोग भाई अगली जगह पर पहुंच चुके हैं। मैं आपको बताता हूँ अगली जगह पर हम लोग कहाँ पर आए हैं। फिलहाल मैं आया हूँ सिर्फ अपने एक प्राइवेट प्लेन के साथ, सामने की तरफ घूम रहा भाई व्हाइट स्कर्ट वाला बंदा, वो प्लेन चलाने में बहुत एक्सपर्ट है। अब की बार हेलीकॉप्टर भाई बुलेट प्रूफ है, हमने चेंज कर लिया और उसका प्लेन भी बुलेट प्रूफ है, कोई कितनी गोली चलाए, क्योंकि आपको पता है आर्मी बेस में अगर हम लोग घूमेंगे मतलब घुसेंगे तो बहुत ज़्यादा रॉकेट्स लगने वाले हैं। बट यहाँ पर आना पता है क्यों ज़रूरी है? इन बंदों ने बहुत सारे फाइटर प्लेन ऑर्डर करे हैं भाई हमारे ऊपर अटैक करने के लिए। आज रात को जब मैं सोया रहूँगा ना तो ये प्लेन बन के रखा हुआ है कि आर्मी वाले बंदे मेरे ऊपर बहुत बड़ा अटैक करने वाले हैं, और ऐसा मैं होने दूंगा। फिलहाल मेरी केजीएफ टीम का फोन आ चुका, उन्होंने भाई एक जगह 500 आर्मी वाले बंदे मार गिराए हैं, मैं वहाँ पे जाकर के देखूंगा भाई कितने बंदे मरे कितने बचे वो भी देखना है। बट फिलहाल अभी मैं यहाँ पर हूँ तो मैं जल्दी से इन सभी बंदों को नेता बनाने वाला हूँ। चल मेरे प्यार भाई मिलिट्री बेस के अंदर ले ले, मैं सभी प्लेन को भाई डिस्ट्रॉय करूंगा। आर्मी वाले बंदे बहुत बहुत ज्यादा रॉकेट चला रहे हैं मेरे ऊपर, बट कोई कुछ नहीं कर पाएगा मेरे प्यारे प्यारे भाई। टेंशन ले आराम से सारा का सारा काम कर, मैं जरा देखता हूँ इन बंदों को भाई। मुझे लगता है ये मिनी गन से ना प्लेन वगैरह में कुछ हो नहीं पा रहा, मैंने देख लिया भाई देख लिया मैंने सच्ची में, मैंने बहुत ज्यादा रॉकेट मतलब कि अपनी मिनी गन चला ली इन बंदों में, कुछ नहीं हो रहा प्लेन के ऊपर। मेरे हेलीकॉप्टर वाले बार बार भाई लेकर के जा रहा है, पूरी हेल्प कर रहा है। बट अच्छी बात क्या है, देखो रॉकेट लग रही है बट अभी और हेलीकॉप्टर मैंने बोला तो बुलेट प्रूफ है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आराम से कंट्रोल कर इसको ब्रो, आराम से कंट्रोल कर भाई। मुझे लगता है मेरे को उतर के एलियन गन ही चलाना पड़ेगा, यहाँ पे हेलीकॉप्टर काम नहीं आएगा। मैंने सोचा हेलीकॉप्टर से कुछ प्लेन्स को खत्म करूंगा तो बाकी सारे प्लेन ऑटोमेटिक खत्म होते रहेंगे। बट भाई अरे आराम से ब्रो, इतना गोल गोल मत घूमो, निशाना कैसे लगाऊंगा यार। हद है लगता है भाई बैलेंस खराब हो गया हेलीकॉप्टर का, लगता है जैसे रॉकेट लगा था ना उसकी वजह से लगता है कोई पंखा उनका टूट गया शायद से। देखो बिल्कुल बैलेंस नहीं बन पा रहा हेलीकॉप्टर का। अरे ब्रो कोई दिक्कत नहीं, तो एक काम कर अपनी जान बचा। मेरे को भाई लगता है उतर के ही काम लेना पड़ेगा, मैंने सोचा था नॉर्मल तरीके से काम हो जाएगा बट शायद से हेलीकॉप्टर कुछ खराबी हो गई है, फटा तो नहीं है
बट खराब ही हो गई है, तो इसलिए भाई चलिए कूद के एलियन गन से सफाया करता हूँ, आराम से टायर बैलेंस बना, आराम से चलिए सारा काम देखता हूँ। अरे भाई सही टाइम पे कूदेगा? नहीं नहीं भाई, हेलीकॉप्टर तो अभी भी ठीक ही है, बट वो भी मैं कह रहा हूँ उसमें कुछ कमी हो गई है। कैसे पैराशूट ठीक से काम नहीं कर रही यार, दो बार बीच में से टूट गई है। कमाल कमाल कमाल, एक काम कर ट्रेवर, इससे पहले आर्मी वाले बंदे यहाँ पर मुंह उठा करके आ जाए, जल्दी से सारे का सारा काम कर, जल्दी ये ले बेटे खत्म। फिलहाल भाई इनको मेरे को खत्म करना पड़ेगा। आप देख रहे हो कितने सारे प्लेन्स आर्मी ने मंगा कर यहाँ पर रखा हुआ है, ये बुलेट प्रूफ थे शायद से भाई, इसलिए नहीं फटे थे। ओ भाई क्या नजारा है, ये था अच्छा नजारा, ये लो बेटो खत्म कर देगा ट्रेवर, इसका नाम है पंगा लेने का, नहीं समझा ना। चलिए आर्मी का ऐसा नुकसान करूंगा, ऐसा करूंगा, इन्होंने कभी सोचा नहीं होगा, कर दिया ना मैंने भी भाई पूरा पूरा काम खत्म। तो चलिए फाइनली मिलिट्री बेस में घुस के ही मैंने आर्मी के सारे प्राइवेट फाइटर प्लेन खत्म कर दिए जो इन्होंने ऑर्डर किए थे मेरे ऊपर अटैक करने के लिए, कोई भी मैंने सही सलामत नहीं छोड़ा। मेरा प्यारा प्यारा हेलीकॉप्टर बाबा इधर आ जाए दोबारा से, रस्सी डाल जरा फटाफट से। चलिए भाई इसको फोन लगा दो कि चल भाई मैंने काम अपना कर दिया, रस्सी डाल और लेकर के निकल। मैंने अपने हेलीकॉप्टर वाले बंदे को बोल दिया है रस्सी डालने के लिए, बट फिलहाल इसका बैलेंस सही हो जाए तभी तो काम बनेगा। आ जाए जल्दी से डाल भाई, मिलिट्री वाले बंदे कभी भी आ सकते हैं, लगता है मिलिट्री यहाँ पर पूरी बंदे नहीं है, जितने बंदे थे उन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया, बाकी और बंदे नहीं थे भाई, मैंने देख लिया। चल जल्दी से, ओके मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ भाई, भागते हैं यहाँ से, जो काम करने आए थे वो हमने काम कर दिया। चलो चलो फटाफट से ओके सारे सारे काम हो चुका है, निकालने आते जल्दी। फिलहाल फाइनली अभी इसका बैलेंस भाई अच्छे से बन चुका है, पहले नहीं था बट अभी इसका बैलेंस बहुत अच्छा बन चुका है, अब तो मेरे को आराम से लेकर के निकल रहा है। आर्मी वालों देख लूंगा तुम्हें, मेरे लिए प्लेन लाओगे? घर में घुस के मारा है, घर में घुस के, और ये लो जाते टाइम, और ये तो मेरे ही बंदा है। आ जा ब्रो, आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा। फिलहाल भाई ये दोनों स्क्वाड मेरे को सबसे अच्छी लगी, येलो एंड अपना वाइट, क्या दम है यार इनमें, इन तो इनकी स्किल्स अच्छी है ड्राइविंग की, और प्लेन वाले को तो कहने ही क्या है भाई, इतने अच्छे तरीके से उड़ाने में लग रहा था, बंदों का ऐसा नेता बनाया, सच्ची में मजा उठा दिया। सच्ची में तो सबसे ज्यादा पसंद आया भाई मुझे, तेरी ड्राइविंग स्किल एक नंबर है, और तू क्या बंदों को मारता है, घर में घुस के मारा। अब की बार भाई इसका प्लेन बुलेट प्रूफ था तो कोई दिक्कत नहीं हो भाई, मतलब कुछ हुआ नहीं भाई, रॉकेट तो लगे होंगे इसका भी बट कुछ भी नहीं हुआ, जैसे हेलीकॉप्टर कुछ नहीं हुआ, बैलेंस खराब हुआ था अलग बात है बट उसके बाद कुछ नहीं हुआ। ठीक है चलिए फाइनली हम लोग मिलिट्री बेस के वहाँ से बाहर आ चुके हैं, अभी रेस्ट वगैरह करते हैं, कल कल अटैक देखें कल क्या करना है, केजीएफ ने कितने बंदों को मारा वो भी देखेंगे। मेरी स्क्वाड भाई सारी की सारी आराम से अपने बेस पर पहुंच चुके हैं, रेस्ट करेंगे, रेस्ट करें मतलब कि अपना खाएंगे पिएंगे और सो जाएंगे, कल देखी जाएगी। जितने बंदे मर गए देखो भाई वापस तो आ नहीं सकते, बट जितने बंदे बचे हैं अमेजिंग बहादुर बंदे, मजा उठा दिया। ओके भाइयों मैं सोता हूँ आराम से, कुछ दिक्कत हो तो मेरे को बताना। आर्मी के घर में वैसे मतलब घुस के मारा है, आर्मी भाई चैन से तो नहीं बैठेगी, आराम से हैकिंग करते ना भाई, मैं थक गया हूँ काफी, आज बंदों की बहुत पिटाई करनी पड़ी है। अगला दिन हो चुका है भाई आराम से, ट्रेवर नहा लिया, फ्रेश हो लिया, निकलते चलिए यहाँ से जल्दी से, क्योंकि अभी बहुत सारे काम करने हैं। आर्मी लगता है बहुत बड़ा प्लान बना रही है, ऐसा मेरे को सुबह सुबह फोन मिली थी, देखते क्या प्लान बना रही है तो पता चल जाएगा। अरे एक सेकंड ड्राइवर, चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो तुम्हें खत्म कर देंगे, हमारे पास बहुत सारी एलियन गन्स है, हमने तुम्हारे सभी गार्ड्स को भी मार दिया, जैसे कि तुम देख रहे हो कितना ब्लड पड़ा हुआ है, और तुम्हारे सारी सारी गार्ड्स की एलियन गन नीचे फ्लोर पर पड़ी हुई है, चालाकी मत करना ड्राइवर नहीं तो खत्म कर दे जाओगे। तो इन बंदे ने मेरे गार्ड्स को मार दिया भाई, जो दो चार बंदे मैं बाहर खड़े कर रखता हूँ, देख रहे हो भाई कितनी सारी एलियन गन यहाँ पर पड़ी हुई है, उन्हीं की थी, मैं आपको बताया सभी बंदों को एलियन गन दे करके रखता हूँ, चालाकी दिखा रहे हैं, सोच रहे हैं मेरे घर पे आकर के मेरे को डरा देंगे वगैरह वगैरह। तो ठीक है भाई ठीक है, मैं डर गया यार, सॉरी ड्राइवर से डर रहा है, चलो मजे लेते हैं इनसे थोड़ा सा। मेरे घर पे घुस के आया मेरे को पकड़ने के लिए, आपको पता है मैंने नाक में दम कर दिया, अब तो सीधा मैंने मिलिट्री बेस में घुस के इनके प्लेन्स खत्म कर दिया, तो इतने सारे बंदे आए मेरे को उठाने के लिए, बोल रहे हैं अगर हमारे साथ नहीं गए तो ड्राइवर खत्म कर देंगे तुम्हें। अब नमूनों कम से कम गन पॉइंट तो कर लेते, क्या कमाल के बंदे हो यार तुम लोग। चलो ठीक है फिर भी मैं तुम्हारे साथ आऊँगा भाई, मैं बहुत अच्छा शरीफ बंदा हूँ, चलो ठीक है मेरे को लेकर के चलो, तुम्हें पता नहीं तुम लोग कितने गलत काम करने के लिए यहाँ पर आ गए, बुरा होगा तुम सभी के साथ में। बंदर मेरे को गाड़ी में बैठाया और मैं खुद भी अपनी गाड़ी में बैठ चुके हूँ, ऊपर की तरफ गाड़ी खड़ी थी और मेरे को अब लेकर के चलना शुरू हो गए हैं। ओके भाइयों जैसे कि गलत कर रहे हो तुम लोग सभी के सभी, मेरे को उठा रहे हो ना, बहुत बुरा हो जाएगा तुम लोगों के साथ में, इनको पता नहीं है कि ट्रेवर के साथ इस टाइम मतलब कितनी सिक्योरिटी है, मेरी इतनी आर्मी आकर के रखी है और ये मेरे को ऐसे उठाएंगे और आकर के ले जाएंगे, इनको मतलब मेरे बंदों को पता नहीं चलेगा कि ट्रेवर को उठा लिया आर्मी ने, अलवा समझ के रखा है। बट यार एक बात अब गलत हो गई, मतलब कि लीक हो गया यार मेरे बंकर, पुलिस वालों को पता चलेगा कि मैं आखिर छुप के कहाँ रह रहा था, चार दिन के बाद इन्होंने पता लगा ही लिया बंकर के बारे में। चलिए खैर कोई बात नहीं, उसका भी कुछ अलग ही सोल्यूशन ढूंढने के, बट फिलहाल अरे रे रे हाईवे में लगता है कोई खड़ा हुआ है शायद से, अरे रे रे बुरा होगा भाई, बहुत बुरा होगा इनके साथ तो, इतना बुरा होने वाला है मैं क्या ही बताऊँ बस। अबे सामने तो देखो कोई खड़ा हुआ है, नमूनो कोई देखो तो सही। ओके 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 आर्मी वाले बंदो क्या हो गया, मेरी गैंग को मारे हो, केजीएफ वाले बंदो ने आकर के आर्मी को पर किया है अटैक बहुत बुरी तरीके से। अरे रे रे मारो मारो मारो, नमूनो को नेता बन रहे हैं, अब आया ना मजा। चलिए भाई इसको कहते हैं अलग ही स्वैग, ड्राइवर का अलग ही स्वैग, देख के मारो बे, मैं भी गाड़ी में बैठा हूँ आराम से आराम से आराम से, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बोला था मैंने मुझसे पंगा लोगे तो बुरा होगा। चलिए फिलहाल मैं गाड़ी से बाहर आ चुका हूँ, ओ मेरे भाइयों गाड़ी फटने वाली है, गाड़ी फटने वाली है, जरा इधर आ जाओ नहीं तो तुम्हारा सबका नेता बन जाएगा।
मैंने सोचा था अपने स्क्वाड वगैरह को बुलाना पड़ेगा तो काम, मतलब कि उनसे ही काम चलेगा। ये तो केजीएफ ने आकर के मजा उठा दिया। अबे तुम लोगों को पता चल गया था कि मतलब मैं यहाँ पर हूँ? सच्ची है भाई, केजीएफ ने आज मजा उठा करके रखा है, यहीं पर नहीं और अलग जगह पर भी। अभी चलिए मैं उनकी जगहों पर चलता हूँ भाई, जहाँ जहाँ पर इन्होंने मिलिट्री वाले बंदों को सुलाया है। अभी बोलो मिलिट्री मेरे को क्यों नहीं मिली? क्योंकि मिलिट्री केजीएफ से लड़ने में बिजी थी भाई। केजीएफ वालों ने सीधा मिलिट्री का नेता बना के रखा कल से। अरे अरे, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। डायनासोर बेटा हॉट डॉग खा रहा है ना? खाता रहे, खाता रहे। चलिए मैं निकलता हूँ, मुझे पकड़ने आए थे, इनको पता नहीं है मेरे बंदे कभी भी आकर के खत्म कर सकते हैं। अब पुरानी बात नहीं है भाई कि बंदा कोई भी आएगा मेरे को ऐसे उठा के सीधा मिलिट्री बेस में लेके चला जाएगा। हलवा है क्या? अब कोई कुछ नहीं कर सकता। आज की डेट में मेरे पास सब कुछ है, इतनी सारी आर्मी मैंने बुला के रखी है, ऊपर से मेरे पर्सनल गार्ड्स तो आपने देख ही लिए, और ये कुछ बंदे मतलब मुश्किल से 20 या 30 बंदे होंगे, आते हैं बोलते हैं तुम्हें लेकर के चलना है ड्राइवर, चलो। मैंने बोला ठीक है भाई, चलो, हो गया ना काम खत्म, ठीक है चलिए यहाँ से निकलता हूँ। ओके भाई, थैंक यू, मैं निकलता हूँ जरा गाड़ी मंगा के। अभी अभी भाई मेरे को खबर मिली है कि मेरे एयरपोर्ट पर ही केजीएफ वाले बंदों के आर्मी के बहुत खतरनाक बच के रखे, तो मैंने अपने हेलीकॉप्टर को तुरंत फोन किया कि भाई जल्दी से आ जा, फटाफट से मेरे को लेकर के चल, क्योंकि मैं ऊपर से बंदों का नेता बनाने वाला हूँ। तो ठीक है भाई, चल जल्दी से सामने की तरफ ले ले, मेरे सामने एयरपोर्ट है, वहीं पर बच के रखे, बहुत ज्यादा खतरनाक। पहुंच गए भाई हम लोग जगह पर। मेरे प्यारे प्यारे भाई, अब थोड़ा होल्ड पे रखना इस हेलीकॉप्टर को, क्योंकि मैं बना दूंगा बंदों का नेता जैसे ही मेरे को बंदे दिखने वाले। थोड़ा ऊपर ले ले भाई, आ जाओ फटाफट से, नेता बनने वाला तुम सभी का। वैसे मेरी आर्मी ने ऑलरेडी बहुत सारे काम कर दिए, बट कोई बात नहीं भाई, जितने बंदों को मैं मार सकता हूँ मैं उतने बंदों को मारूंगा। मार भाई मार, तू भी मार फटाफट से। एक काम कर, आगे तरफ ले ले, एक बंदा मेरे को सामने तरफ खड़ा हुआ दिख रहा है। ओके भाई, ये बंदा खत्म हो चुका है यार, बंदे बहुत सारे यार, नेता तो बनाना ही पड़ेगा। तो ठीक है भाई, फटाफट से काफी बंदे मैंने खत्म कर दिए। एक काम कर, हेलीकॉप्टर वाले चाहे पीछे ले, पीछे बंदा मेरे को दिखाई दे रहा है, बड़ा छोटा सा बंदा। नीचे उतर के बाकी अपनी टीम से पता करूंगा भाई कितने बंदे बचे और कितने बंदे नहीं बचे। इस तरफ ले ले, इस तरफ देख ले, पीछे की तरफ भाई हम लोगों ने ले लिया है और पीछे की तरफ आ चुका है। सही बोला था भाई, मतलब मैंने सही देखा था, बंदे पीछे की तरफ यहाँ पे बहुत सारे हैं, बहुत सारे बंदे तो मेरी आर्मी ने खत्म कर दिए भाई, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ। ये बंदा तो शूटिंग कर रहा है ना, कुछ बंदों को मैं मार रहा हूँ, कुछ बंदों को इसने मारा। ये रहा एक बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ है, बंदे बहुत सारे हैं भाई, इसके ऊपर मैं एम नहीं कर पा रहा, और बंदा खुद भी गोली चला, उसको शौक लग गया। तो मुझे लगता है भाई अभी हेलीकॉप्टर का काम पूरा का पूरा खत्म हो चुका है, लगता है कूदते हैं, चलिए काफी काम हो गया। नहीं भाई, एक बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ, ये ले बैठे, तू ही हेलीकॉप्टर से जाने वाला है, आया मजा खत्म। ये ब्लास्ट हो गया, फूट जा। नहीं भाई, ब्लास्ट नहीं हो रहा। ओके ठीक है भाई, तुम लोग संभालो, मैं जरा चेक करता हूँ कि आखिर कौन कौन है नमूना यहाँ पर। अब की बार तो लैंडिंग बढ़िया होने वाली है, बोला था ना बढ़िया लैंडिंग हुई। अबे ड्राइवर, ये कौन से नशे देवे, घूमा क्यों नहीं? तो ठीक है भाई, चलिए मैंने यहाँ के सभी बंदों को संभाल लिया। मेरी केजीएफ आर्मी गाय लगता है भाई, मर गई ना क्या क्या बंदे, बट कोई बात नहीं, मैं आ गया यहाँ पर। आर्मी मेरे प्यारी आर्मी देखो लड़ने में लग रही है यहाँ पर, मेरे बंदे ऐसे थोड़ी। थैंक यू भाई, थैंक यू काम करने के लिए। यार ये ऑरेंज स्क्वाड ना मेरे, मतलब येलो स्क्वाड मेरे को भाई फेवरेट लग रही, लग गई क्या स्किल्स है इनमें यार। एक तो मेरे को भी घुमा सकते हैं, ऊपर से बंदों खुद भी देख देख के मारते रहते हैं, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। तो ठीक है भाई, लगभग हम लोगों ने पूरे एयरपोर्ट पे काम खत्म कर दिया भाई। केजीएफ ने तो बड़ा बेस सा बना लिया था यहाँ पे, क्या यार इन्होंने एयरपोर्ट पे कब लगा लिया आइटम, मेरे को बताया भी नहीं, इतने सारी चीज़ें इकट्ठा कर लिया यहाँ पर। चलिए खैर कोई बात नहीं यार, देखो मेरे काफ़ी बंदे मर गए जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, बट कोई बात नहीं, होता है यार कभी कभी होता है। वैसे सीधी सी बात है, तो ये भी इंसान ही ना, हमारे बंदे मारे गए पर आर्मी का नेता बना दिया इन्होंने। आर्मी वालों, आज तुम्हारा बहुत बुरा दिन है, आज ही नहीं कल भी बहुत बुरा दिन है, और परसों भी तुम्हारे लिए बहुत बुरा दिन रहेगा। देखता हूँ मैं तुम लोगों को बाद में देखूंगा जैसा भी होगा। ठीक है चलिए भाई, यहाँ से निकलता हूँ और चेक करता हूँ और कितनी जगहों पर भाई लड़ाई चल रही है। मैंने भाई एक जगह और पता कर लिया फोन करके, यार बड़ा बुरा हुआ यार, सच्ची में काफ़ी बुरा हुआ, बहुत सारे हमारे केजीएफ के बंदे ही मारे गए यार। आर्मी सच्ची में भलके मत लेना, ओ भाई आराम से तेरे को रस्सी डालने के लिए भेजा, तू यहाँ पे उल्टे से काम करने में लगा हुआ है। तो पॉइंट क्या है भाई, मतलब कि बहुत बंदे मर गए यार, सच्ची में इतना ज़्यादा बंदे मर जाएंगे मैंने सोचा नहीं था। हमारे केजीएफ के बंदों को भी काफ़ी नुकसान हुआ है, मैं जाकर के जगह पर चेक करता हूँ कितने बंदे हमारे मारे। आर्मी के बंदे तो हमने बहुत मारे, आर्मी ने मेरे ऊपर अटैक पता है क्यों नहीं किया इतना ज़्यादा, क्योंकि आर्मी केजीएफ से लड़ने में बिजी थी सुबह से ही। मैंने बाकी गैंग वाले बंदों को मारा, मैंने वैसे बहुत बंदों को मारा, बट स्पेशली लड़ाई हो रही है आर्मी केजीएफ से, जिसमें केजीएफ वाले बंदे ही काफ़ी मरे, आर्मी वाले बंदे भी काफ़ी मरे, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ। पहुँच चुका भाई मैं पहली वाली जगह पर। ओके चाहे तो यहीं पर वेट कर, कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो मैं बोलता हूँ कि आ जाना, तो आगे देख लेना। तो फिलहाल चलिए भाई साहब, काफ़ी बुरा लग रहा है यार, मतलब काफ़ी बुरा काम हुआ, मेरे इतने बंदे बनेंगे मैंने सच्ची में नहीं सोचा था। अरे तेरे को आने की जरूरत थी भाई, मेरे बंदे को भाई काफ़ी बुरा लगा देख रहा है कि ड्राइवर भाई तेरे सारे बंदे कैसे मर गए हमारी टीम के, वो तो मैं भी देख रहा हूँ यार। अब क्या करें, देखो मैंने आपको फिर से बोला था, जंग भाई ऐसी चीज़ होती है, कोई एक जीतता है कोई एक मरता है, तो यहाँ पर हमारी केजीएफ की टीम मारी गई है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके भाई चल जल्दी से जगह पर चल, एक और जगह पर जाना है, वहाँ पर भी कुछ हमारे बंदे मर गए हैं, फटाफट से हेलीकॉप्टर वाले को बुला उसको और जल्दी निकलते आ जा। तो दूसरी जगह पर निकलने की तैयारी करते हैं भाई, हमारा प्यार हेलीकॉप्टर वाला बंदा आ रहा है, रस्सी डालेगा और इस नमूने को भी ले लेगा ऊपर की तरफ और मेरे को भी ले लेगा। आ जा भाई, आ जा जल्दी से रस्सी कटवा। तो ठीक है चलिए भाई, नेक्स्ट जगह पहुँचते हैं,
तो मेरे को लगता है मिलिट्री का नेता बनाना पड़ेगा। मिलिट्री वाले को ज्यादा एटीट्यूड में नहीं आ रहेगा, तो ज्यादा एटीट्यूड मारे सच्ची में यार इनका नेता। इन्होंने की हिम्मत कैसे हो भैया? मैं दूसरी जगह पर पहुंच चुका हूँ, तो एक काम कर, हेलीकॉप्टर में लेना, मैं जरा अभी आता हूँ तुरंत फटाफट से एक मिनट में। हेलो मेरे प्यारे प्यारे आंटी जी, क्या हाल चाल है? यहाँ पर मत घूमो। अरे यार थोड़ा बुरा हुआ यार, यहाँ पर ही बंदों को मार दिया। आर्मी को फोन करना पड़ेगा। KGF वाले बंदो हल्के में मत लो, ये आर्मी कुछ ज्यादा ही लुंगी से बाहर निकल रही है। पकड़ के लाओ इनको, सभी को पकड़ के लाओ, क्योंकि मैं इनको नहीं छोड़ने वाला। जल्दी से फोन करता हूँ। एक तो लेस्टर भी नहीं मिला है नमूना, इस लेस्टर को भी ढूंढना पड़ेगा यार। मेरे प्यारे प्यारे बंदे बोल रहे हैं ट्रेवर से, टेंशन क्यों ले रहे हो? पता चल गया, फटाफट से आ जाओ जगह पर। मेरे प्यारे बंदों ने भाई कुछ बंदों को पकड़ के रखा हुआ है और बोल रहे हैं फटाफट से कि ट्रेवर सर हमने बहुत ही हाई और सिंसियर बंदों को पकड़ लिया है। आर्मी के इतना ज्यादा नेता बन रहे थे वो सारे के सारे बंदे, आप फटाफट से आइए और इनको पीट के पूछिए क्या क्या इनका प्लान चल रहा है और कौन कौन मिक्स होकर रखा है। बहुत बंदों को मारना है इन्होंने हमारे, अब हम इनको नहीं छोड़ेंगे। तो ठीक है भाई, चल जल्दी से ले ले, मैं तेरे को जगह बताता हूँ। पहुंचता हूँ भाई जल्दी से जगह पर और देखता हूँ कि आखिर मेरे आने वाले बंदों ने किन बंदों को पकड़ा। मैं जगह पर पहुंच चुका हूँ। हेलो भाई जी, तू जरा इसी में रहना, और थैंक यू यार, तू मेरा सफर बहुत छोटा करवा रहा है, क्योंकि भाई गाड़ी से चल के आता काफी टाइम लगता, बट मेरा ये बंदा काफी अच्छे से मेरे को यहाँ पर पहुंचा रहा है। अबे डरते नहीं हो तुम लोग, पीछे खड़े जाओ, ट्रेन घूम रही है यहाँ पर। तो सामने जो बंदे आर्मी के बहुत स्पेशल और हाई पोस्ट वाले बंदे हैं, इनको जरूर पता होगा कि आखिर कहाँ पर है मेरे प्यारे प्यारे बाकी और KGF के बंदे जो मर गए हैं। वैसे हमने भी बहुत बंदों को मारा और इन्होंने भी काफी बंदों को मारा, लड़ाई अभी बराबर की चल रही है। प्यारे प्यारे नमूनो, फिलहाल देखो हमने इनको इसलिए नहीं पकड़ा कि हम बदला लेंगे, बदला तो हम लेंगे ही, बट उसकी दूसरी वजह ये भी है भाई, इनका प्लान मुझे जानना है कि आखिर क्या होने वाला है। जल्दी से मुझे बताओ भाई, तुम्हारा आगे का क्या प्लान है, तुम्हारा आर्मी का, बादशाह का, RDX का और अपने शैतान वाले बॉस का, बता दो। बच जाओगे नहीं तो समझ रहे हो ये अपनी प्यारी KGF की गैंग है। KGF सबसे खतरनाक माफिया, अगर एक मिनट में इशारा कर दिया ना खत्म कर देगा तुम लोगों को। जीना चाहता है तो बोल दे, नहीं तो बहुत बुरा होगा। ट्रेवर मेरे प्यारे भाई, अरे यार क्या उन बंदों को प्यार से मार करके पूछता है क्या है अगला प्लान। चल मैं तेरे को बताता हूँ हमारा अगला प्लान क्या है, और वो हमने पूरा कर भी दिया अभी ना, तेरी जिंदगी हमने एक तरीके से बर्बाद कर दी ट्रेवर, और उससे अगला प्लान तेरे को अभी बाद में बताएंगे, बट पहले तू इस प्लान का सदमा तो दूर कर ले ट्रेवर। मैं बादशाह को जान से मार दूंगा भाई, उसने मेरे को फोन करके बताई एक बात, जगह पर निकलना पड़ेगा। ओ भाई जल्दी से जगह पे ले ले, एक लोकेशन देता हूँ मैं, देखता हूँ भाई जो इसने बोला, अगर ऐसा हो गया ना मरेगा वो बंदा मरेगा भाई। इस जगह पर मेरे को निकलना पड़ेगा, इसने मेरे को बोला इस बीच के एरिया पे निकल और जाके देख ड्राइवर। फिलहाल भाई मैंने बंदे को बोल दिया है, मार्क मैंने लगा दिया है, तो ये बंदा समझ चुका है, बोल रहा हूँ कि ड्राइवर एक मिनट में लेता हूँ, बाकी इन बंदों को वो देख लेंगे भाई। अगला प्लान इन्होंने चल भी दिया और बोल रहा है कि ड्राइवर तेरे को ये प्लान की वजह से बहुत नुकसान होगा, और अब तू देख जब तक तू इस प्लान से उभरेगा हमने दूसरा प्लान भी बना के रखा तेरे लिए, ये तो कुछ भी नहीं है तेरे लिए प्लान, अब तो अगला प्लान देखना भाई। इन्होंने बहुत बुरा कर दिया, देखिए आप पहले बोलता हूँ बीच में, फिर आप देखिएगा इन्होंने क्या कर दिया।